हेलो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर ओके पहले आप चैप्टर के बारे में थोड़ा सा सुनो उसके बाद टॉपिक चालू करती हूँ आपका जो मॉड्यूल है ओके उसमें लिखा हुआ है सिक्योरिटी वैल्यूएशन उन्होंने इक्विटी वैल्यूएशन बोल के आपको कोई चैप्टर नहीं दिया है ओके जब मैं सिक्योरिटी बोलती हूँ तो दे आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज वन बॉन्ड एंड डिबेंचर्स एंड वन इज स्टॉक और इक्विटी ओके ये जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये डिपेंड करता है इंसान के रिस्क एवर्जन लेवल पे। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पसंद है तो यू विल इन्वेस्ट इन अ सिक्योरिटी जो आपको फिक्स्ड इनकम देती रहे और प्रिंसिपल रिटर्न गारंटीड होना चाहिए तो वैसी सिक्योरिटीज़ के बारे में आप बॉन्ड वैल्यूशन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा होगी और अगर आपको किसी कंपनी में स्टॉक या इक्विटी के थ्रू जाना है जहाँ पे आपकी इनकम स्ट्रीम फिक्स्ड नहीं है एंड द प्रिंसिपल रिटर्न इज ऑल्सो नॉट गारंटीड देन दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी विल बी अंडर स्टडीड अंडर इक्विटी वैल्यूशन ओके अब दोनों में बहुत फ़र्क है आपको जब मैं बॉन्ड वैल्यूशन पढ़ाऊंगी तो आपको फर्क एग्जैक्टली exactly नजर आएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है बट शुरू करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा वार्म अप देती हूँ बॉन्ड या डिबेंचर में अगर आप पैसा लगाते हो तो एक न एक दिन ज़रूर आएगा जब आपका प्रिंसिपल रिटर्न होगा पाँच साल दस साल पंद्रह साल या बीस साल जितने भी साल आप ले लो बॉन्ड या डिबेंचर में प्रिंसिपल रिटर्न की एक डेट होती है दैट डेट इज लाइक श्योर ओके तब तक आपको वो बॉन्ड या डिबेंचर आपको ब्याज देता रहेगा इंटरेस्ट देता रहेगा कूपन देता रहेगा एंड ऑन द डे ऑफ मेचोरिटी यू आर गोइंग टू रिसीव योर प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट वेयर जहां तक इक्विटी की बात आती है इक्विटी इज़ लाइक इट विल नॉट गारंटी द डिविडेंड इनकम बिल्कुल भी नहीं कर, गारंटी करेगा कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपको डिविडेंड मिल सकता है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपको डिविडेंड गारंटिड है ऐसा भी नहीं है हो सकता वो डिविडेंड बिल्कुल भी ना दे आपको राइट और आपने पढ़ा होगा ना इक्विटी के बारे में इट इज़ अ गोइंग कंसर्न कंपनी के बारे में अपने क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलते हैं गोइंग कंसर्न इसका मतलब ये होता है दैट लोग आएंगे लोग जाएंगे कंपनी हमेशा चलती रहेगी इसका मतलब ये होता है दैट इक्विटी विल बी वैल्यूड लाइक अ परपैचुअल इंस्ट्रूमेंट ओके इसमें एन नहीं होगा आप अगर शेयर खरीदते हो आप शेयर को स्टॉक मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो लेकिन वो शेयर मरता नहीं है लाइक अ डिबेंचर डिबेंचर ऑन द डेट ऑफ रिडेम्शन डाइज उस सीरीज़ का उस नंबर का कोई डिबेंचर मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा लेकिन इक्विटी या स्टॉक आप 10 साल के बाद भी अगर बेचते हो तो वो स्टॉक या डिबेंचर ख़त्म नहीं होता हैंड्स चेंज कर जाते हैं इट विल गो टिल द एंड ऑफ परपैचुटी टिल द टाइम और मे बी अगर कंपनी इक्विटी को बाय बैक करती है तब तो भले अलग बात हो सकती है तो द वैल्यूएशन पैटर्न ऑफ बोथ द सिक्योरिटीज विल बी लाइक यूनिक दोनों अपने अपने फीचर्स के हिसाब से वैल्यू करी जाएगी ओके okay, डिबेंचर में आपका फिक्स्ड कूपन आएगा और रिडेम्पशन वाले दिन प्रिंसिपल का रीपेमेंट आएगा इक्विटी में आपको डिविडेंड स्ट्रीम आएगी भले थियोरेटिकली जो वैल्युशन मॉडल्स हम यूज करने वाले हैं उसके अंदर में वी विल शो अ लाइक अ पैटर्न ऑफ डिविडेंड पेमेंट प्रैक्टिकली शायद ऐसा ना हो ओके एंड परपैचुटी तक जाएंगे अपने ओके तो दिस विल बी लाइक अ परपैचुअल इंस्ट्रूमेंट एंड विथ अ डिविडेंड इनकम ओके ये एक बात हुई दूसरी बात एक जो लेमैन होता है वो बाजार में जाता है स्टॉक पसंद किया रूमर्स के ऊपर में सुना और स्टॉक खरीद लिया स्टॉक बेच दिया राइट एज एन एक्सपर्ट एज ए लेमैन हम रैंडम जाके स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग नहीं करते राधर किसी भी एसेट की हम नहीं करते क्योंकि कोई भी एसेट कितना भी अच्छा हो उसकी एक मैक्सिमम वर्थ होती है हम उससे ज़्यादा उसको पे नहीं कर सकते ओके सो इन ऑर्डर टू नो व्हाट इज द मैक्सिमम वर्थ इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंप्यूट द शुड बी वैल्यू द इंट्रेंसिक वैल्यू द फेयर वैल्यू द क्लिब्रियम वैल्यू ऑफ एनी असेट दैट एनी असेट हियर इज इक्विटी और अ स्टॉक ओके okay? तो बेसिकली मुझे अपने पैसे से कितना रिटर्न चाहिए ये मैं डिसाइड करूंगी दूसरा डिसाइड नहीं करेगा ओके एंड ऑन दैट बेसिस वी विल डिसाइड हाउ मच इज द मैक्सिमम अमाउंट आई वांट टू पे फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक मैकविटी का चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं इक्विटी या स्टॉक के बारे में बात करूँगी लेकिन जो सेंटेंसेस मैं आपको बोल रही हूँ ये आप इक्विटी हटा के एसेट भी यूज कर सकते हो कहीं भी आप लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे अपने पैसे से कितना रिटर्न चाहिए ऑन दैट बेसिस आई विल डिसाइड हाउ मच मनी मैक्सिमम आई वॉन्ट टू पे इन ऑर्डर टू बाय अ पर्टिकुलर इक्विटी मुझे कितने पैसे अफोर्डेबल हैं मैक्सिमम लेवल पर अगर वो स्टॉक उससे ज़्यादा हुआ दैट स्टॉक विल बी कॉल्ड एज रिलेटिवली ओवर वैल्यूड आई गिव यू सम मोर यू नो काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द टॉपिक एंड देन वी कैन गो फॉर द टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एंड द टेक्निकल बाईफर्केशन ऑफ द चैप्टर कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ओके चल स्टार्ट गए ओके मैंने यहाँ पर थोड़ी सी थियोरी भी लिखी हुई है सबसे पहले आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में ओके okay? आप देखना है यहाँ पर एक लेट्स मैं इक्विटी एस जनरल एग्जांपल लेती हूं ओके okay? यहां पे अपन जीरो है और यहां पे एक साल है ओके वन ईयर ठीक है यहां पे मुझे सौ रुपए मिलने वाले हैं ओके okay? और मुझे अपने पैसे से 10 परसेंट का रिटर्न चाहिए ये आप याद रखना जो ये मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको ये इक्विटी में भले आपको पढ़ा रही हूँ मैं लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है आप हर चैप्टर में लगा सकते हो बिकॉज आपके जितने भी चैप्टर्स आएंगे इक्विटी देन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स देन फॉरिक्स देन डेरिवेटिव्स uh, के अंदर में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वैल्यूएशन करोगे देन मर्जर एक्विजिशन में मर्ज इंटायटी की वैल्यूएशन करोगे हर जगह पे गए लॉजिक तो यही निकलता है हर जगह पे कोई अलग लॉजिक नहीं होता है ओके okay? तो मैं यहाँ पे स्टॉक खरीदूंगी समझो ये एसेट मुझे एक साल के बाद सौ रुपया देगा एसेट बोला मैंने ओके okay? अब यहाँ पे मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कितना मैक्सिमम अमाउंट पे करना चाहिए इसको खरीदने के लिए ओके okay? तो मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी यहाँ पे विल कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इनकम और कैश फ्लो एट द एंड ऑफ वन ईयर ओके तो एट द रेट ऑफ टेन परसेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल टू हंड्रेड इंटू वन बाई वन पॉइंट वन जीरो विच इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू पॉइंट नाइन जीरो नाइन विच इज़ इक्वल टू रुपीज नाइनटी पॉइंट नाइन जीरो आपको समझा मैं क्या कर रही हूँ इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये एसेट मैं 90.90 .90 में आज खरीदती हूँ और एक साल के बाद मुझे अगर सौ रुपये मिलते हैं तो मैंने एक साल में दस परसेंट कमाया है ओके okay? अगर अगर समझो ये एसेट मुझे 85 में मिल गया इन केस आई एम रेडी टू पे अप टू 90.90. अगर मैंने 90.90 .90 तक दिया तो आई विल बी अर्निंग टेन परसेंट एंड आई एम हैप्पी लेकिन समझो कि मैं मार्केट में गई और ये मुझे 85 में मिल गया आप विश्वास करो कि ये हंड्रेड आपका कभी नहीं बदलेगा ये हंड्रेड नहीं बदलेगा न और ना ये बदलेगा ओके okay? तो उस उसके बेसिस पे अपन क्या डिसाइड कर रहे हैं कि नाइन्टी पॉइंट नाइन जीरो इज माई थ्रेश होल्ड मैं उसे ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि अगर उससे ज़्यादा दिया तो आई विल नॉट अर्न टेन परसेंट आई विल बी अर्निंग लेसर अमाउंट ओके अगर मैं मार्केट में गई और मुझे ये एसेट एटी फाइव में मिल गया देन द स्टॉक और द एसेट इज रिलेटिवली अंडर वैल्यूड बिकॉज अगर मैंने 85 में खरीदा और एक साल के बाद सौ रुपया लिया देन आई एम नॉट अर्निंग 10 आई एम अर्निंग मोर देन 10 परसेंट okay? ओके ये याद रखना पूरे के पूरे वैल्यूएशन का लॉजिक सिर्फ इतना ही है एंड द डेफिनेशन से इज दैट द प्राइस ऑफ एनी असेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 90.90 पॉइंट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश लोस डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट ऑफ 10 परसेंट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वैल्यूएशन अगर आप इक्विटी में ये लगाओगे डेफिनेशन तो ये जो आपने 90.90 .90 निकाला है ना ये स्टॉक की प्राइस हो जाएगी और हंड्रेड रुपीज आपका एक साल के बाद वॉट आप डिविडेंड बोलो वैल्यू बोलो जो बोलना है बोलो

डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये याद रखना रिडेम्शन इक्विटी की कभी भी नहीं होगी हो नहीं सकती बिकॉज वी आर अज्यूमिंग अ गोइंग कंसर्न जिंदगी भर पर पैचुटी ओके सो दीज आर द ब्रॉड फीचर्स ऑफ द वैल्यूएशन मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बताती जाऊँगी यू डोट हैव टू वरी एट ऑल एंड लेट्स गो हेड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर रिलेटिवली कंफर्टेबल विद द इक्विटी चैप्टर स्टिल मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं जरूर अच्छे से पढ़ाऊंगी ओके okay, आगे बढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ओके okay. तो पहले जो थ्योरी लिखी है वो डिस्कस तो कर लेते हैं द वैल्यू ऑफ इनिक्विटर स्टॉक इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसको आर ओ आर भी बोलते हैं इन ऑर्डर टू कंप्यूट द वैल्यू और द इंट्रेंसिक वैल्यू और द शुड बी वैल्यू ऑफ़ इन इक्विटी वी कैन यूज़ वेरियस थियोरिटिकल मॉडल्स सजेस्टेड बाई एक्सपर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ट्राई किया लिखने का यहाँ पर कि आप कोई भी चैप्टर उठाओगे तो जब वैल्युशन करना आप चालू करोगे तो आप कोई अपने मन से आपको नहीं करना है देर आर अलॉटेड मॉडल्स ओके उन मॉडल्स को यूज़ करके आपको निकालना है मैं ये नहीं बोलती कि वो मॉडल्स अपने आप में सफिशेंट है क्योंकि एक मॉडल एक चीज़ को कंसिडर करेगा काफ़ी सारी चीज़ों को वो छोड़ देगा दूसरा मॉडल दूसरी चीज़ को कंसिडर करेगा और बाकी बहुत सारी चीज़ों को वो छोड़ देगा सो अ मॉडल इज़ नॉट सफिशेंट इन इट लेकिन जब तक आप कोई नया मॉडल नहीं बना लेते हो तब तक हमें वो मॉडल यूज़ करना पड़ेगा ओके सो वी आर गोइंग टू यूज़ वेरियस uh, मॉडल्स आपने नाम सुना होगा गॉर्डन मॉडल वेरी वेरी पॉपुलर नेम एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट ओके गॉर्डन मॉडल सो गॉर्डन मॉडल इज वेरी वेरी लाइक रिनाउंड मॉडल इन द फील्ड ऑफ इक्विटी वैल्यूशन देन अपने यूज करेंगे कंपेरेबल फर्म्स अप्रोच और पीई मल्टीपल अप्रोच और रेलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम में नवंबर 19 के एग्जाम में एक सम उन्होंने ओल्ड कोर्स में पूछा था तो दैट्स लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन देन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अप्रोच ई उसको रेसिडुअल वैल्यूएशन अप्रोच भी बोलते हैं एक और अप्रोच है नेट एसेट्स मैथर्ड ओके ये चार मॉडल ब्रॉडली हम इक्विटी में पढ़ते हैं अगर आप चारों को हेडिंग दे के स्ट्रक्चर करके आप पढ़ोगे देन आई थिंक इट विल बी बेटर एंड इट विल बी गुड बिकॉज यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सम इन द एग्जाम जैसे पेपर में सम दिखेगा आपको पता चल जाएगा डेटा देख के पता चल जाएगा कौन सा मॉडल हमें लगाना है ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो हैड देखो मॉडल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सो पहला वाला इज डिस्काउंटेड अप्रोच ओके जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना आपको लिख करके डिस्काउंटेड अप्रोच तो डिस्काउंटेड में मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने एक ये वाला ओके okay, एक ये वाला और एक ये वाला ओके okay. तो आप बोलोगे मैम दोनों में क्या फर्क है तो दोनों में ये फर्क है अगर कोई बंदा आ, रिटेल है लाइक हंड्रेड स्टॉक्स रिलायंस का खरीदूंगी पंद्रह सौ स्टॉक खरीद सकती हूँ मे बी इस तरह से सो आई एम नॉट बॉर्दर्ड अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी एज सच ऑन अ ब्रॉड लेवल कि कंपनी कितना कैश फ्लो कमाती है कंपनी मैनेजमेंट में क्या डिस्कशन करती है एन यू नो ऑल दोज थिंग्स आई वुड बी ब्रॉडली बॉर्डर्ड अबाउट कि मुझे डिविडेंड्स कितना मिलेगा मेरा स्टॉक कितने में बिकेगा एंड ऑल दैट तो उन तरह के लोगों के लिए रिटेल के लिए वी यूज डिविडेंट डिस्काउंट मॉडल आपने सुना होगा ना आई पी सी सी एंटर में या आपने जब सी ए फाइनल की पढ़ाई एस एफ एम की प्रॉपरली कर भी ली होगी पहले शायद तो डी वन बाई केई डी वन बाई केई माइनस जी सो ऑल दैट सो बेसिकली डिविडेंट डिस्काउंट मॉडल इज मेंट फॉर पीपल Who behave like retail and they are just interested in the dividends and the price at which they would be able to sell their stock. Category number two, agar suppose karo ki reliance 2% ka stake karityo. So dividend ke bother karungi nahi because I will be there as a part of the management. और अगर मैं मैनेजमेंट का पार्ट हूँ तो डिविडेंड्स कितने बांटने हैं ये तो मैं ही डिसाइड करूँगी आई विल नॉट बी बॉडर्ड अबाउट डिविडेंड्स आई विल बी बॉडर्ड अबाउट कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं कंपनी की मार्जिनस क्या हैं कंपनी को और बड़ा कैसे कर सकते हैं कंपनी कितना हार्ड कैश जनरेट करती है बिकॉज आई विल अज्यूम दैट अ कंपनी इज़ अ मनी मेकिंग मशीन फॉर मी एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लॉयड एस मच कैश पॉसिबल फ्रॉम द कंपनी ओके सो टू बट दोनों में डिस्काउंटिंग का यूज़ होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एंड दैट इज़ वाई इट इज गिवन अ ब्रॉड हेडिंग डिस्काउंटेड अप्रोच सो शॉर्ट में डी डी एम मॉडल बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को एंड फ्री कैश फ्लो अप्रोच इज़ फ्री कैश फ्लो टू द फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी ये एक हुआ दूसरा कंपेरेबल फर्म्स फर्म्स अप्रोच में मैंने आपको बोला कि एक मॉडल है मैं आपको मॉडल के बारे में डिटेलिंग जब अपन टॉपिक करेंगे तभी करेंगे बिकॉज इट विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम अदरवाइज थर्ड मॉडल रेसिडबल वैल्यूशन अप्रोच एंड नेट एसेट मेथड नेट एसेट मेथड के सम्स मैंने इक्विटी चैप्टर में या एस में नहीं देखे इतने ज्यादा उसका आई थिंक लॉजिक ये होगा शायद कि आपके एफ में पढ़ाया जाता होगा लिक्विडेशन uh, में नेट एसेट मेथड कहाँ यूज होता है जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो आप क्या करते हो uh, सारे एसेट्स को मार्केट में वैल्यू कराते हो कि भाई कितने में सारा एसेट्स बिक जाएगा हार्ड कैश ओके एंड सारी लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद शेयर होल्डर्स के पास में कितना पैसा बचेगा रादर कंपनी के पास में कितना पैसा बचेगा जो भी पैसे बचेंगे वो सारे शेयर होल्डर्स में बराबर बांट दिया जाएगा दैट इज़ नेट एसेट मेथड और लिक्विडेशन मेथड आई हैव नॉट सीन एनी सम ऑफ लिक्विडेशन इन द एस एफ एम और एनी वेयर एल्स आई थिंक इट इज़ बिकॉज यू विल स्टडी दैट इन एफ आर ओके कैन वी क्विकली गो हैड नाउ चलो स्टार्ट डिस्काउंटेड अप्रोच दिस मॉडल हैज बीन सजेस्टेड बाय गॉर्डन एज आई टोल्ड यू एक बात यहां पे क्लैरिफाई कर देती हूं ऐसा नहीं है कि डिविडेंड को यूज करके वैल्यूएशन का मॉडल सिर्फ गॉर्डन ने बनाया है और भी लोगों ने बनाया है लेकिन जितनी इम्पॉर्टेंस गॉर्डन के मॉडल को मिली है उतनी इम्पॉर्टेंस किसी दूसरे मॉडल को नहीं मिली है इसलिए नॉट ओनली थियोरेटिकली इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो मैंने कम से कम कई साल ये पढ़ाना आई एम टीचिंग सिंस लास्ट ट्वेल्व ईयर्स नाउ उसके पहले आई यूज टू वर्क फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यू नो काइंड ऑफ तो मेरा जो फोटे था वो था वैल्यूएशन ओनली तो गैस यही वाले मॉडल्स हम यूज़ करते हैं वहाँ भी सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करते हैं बट मॉडल्स यही वाले यूज़ करते हैं ऐसा नहीं कुछ अलग करते हैं ओके तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइक प्राइवेट इक्विटी और इक्विटी रिसर्च देन आई थिंक यू शुड रीड एंड स्टडी दिस चैप्टर वेरी वेरी प्रॉपरली ओके डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल दिस मॉडल हैज़ बीन सजेस्टेड बाय गॉर्डन एज पर दिस मॉडल द प्राइस और वैल्यू ऑफ अ स्टॉक शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स

डिस्काउंट मॉडल ओके नाविया ए नो ग्रोथ मॉडल मैं आपको फटाफट बता देती हूँ अच्छा रहेगा नो ग्रोथ मॉडल इसमें एक ऐसी कंपनी जिसके पास में नो ग्रोथ मॉडल का मतलब ये नहीं होता कंपनी ग्रो करना नहीं चाहती इसका मतलब ये होता है दैट कंपनी के पास अब भी आज के दिन बहुत प्रॉफिटेबल कुछ करने के लिए प्रोजेक्ट नहीं है इसलिए द फॉर्म विल मेंटेन अ स्टेटस को मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा ओके okay. तो ऐसे कैसे जो भी हम बोल रहे थोड़ा थियोरेटिकल है प्रैक्टिकली थोड़ा इससे अलग रहता है ओके okay. तो कंपनी जो भी पैसे कमा रही है वो कंपनी डिविडेंड दे देती है पूरा का पूरा बिकॉज जब कंपनी के पास में प्रोजेक्ट ही नहीं है करने के लिए देन वाई शुड इट रिटेन ओनली सो हंड्रेड परसेंट पे आउट रेशियो रहेगा उनका ओके okay. इन दैट सिनेरियो कंपनी वैसे भी ग्रो नहीं करेगी प्रैक्टिकल में ऐसा कभी नहीं होगा कि कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट हंड्रेड परसेंट ऑफ इज ई और ई पी एस विल नेवर बी इक्वल टू डी पी एस इट इज ओनली पॉसिबल थेटिकली सो नो ग्रोथ मॉडल में पी जीरो द प्राइस ऑफ अ स्टॉक शुड बी इक्वल टू डी वन बाई के आपको एक मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि ये कैसे आ रहा है ध्यान देना ये ऐसे आ रहा है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पर सो दस का डिविडेंड दस का डिविडेंड दस का डिविडेंड दस का डिविडेंड एंड सो ऑन दस का डिविडेंड ये पर पैचुटी हो गया ना तो बेसिकली अगर सपोज करो कि मुझे अपने पैसे से बारह परसेंट का रिटर्न चाहिए सो so, मैंने क्या बोला द प्राइस ऑफ एन एसेट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो मतलब मुझे ये सारे दस का बारह परसेंट से डिस्काउंटिंग करनी है अब पर पैचुटी तक तो कैसे जाऊंगी मैं पॉसिबल नहीं है फिर भी लिख के दिखाती हूँ आपको मैं सो पी जीरो और प्रेजेंट वैल्यू एंड प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग टेन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन टू टेन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन टू स्क्वायर देन डॉट 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 प्लस टेन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन टू एंड ओके okay? इसको बोलते हैं जीपी सीरीज नॉन ग्रोइंग जीपी सीरीज इस जीपी सीरीज को जब मैथमेटिकली सॉल्व किया जाएगा तो एक फॉर्मूला मिलेगा और वो होगा पी इक्वल टू डी वन बाई के और टेन डिवाइड बाई पॉइंट वन टू आई गेट रुपीज एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री मतलब क्या हुआ अगर मैं इस स्टॉक को 83.33 में आज खरीदूं और जिंदगी भर कंपनी मुझे दस रुपए का डिविडेंड देगी देन आई शैल बी अर्निंग 12% परसेंट पर एन मतलब अगर मुझे 12% परसेंट कमाना है तो अपने इस स्टॉक का 83.33 से ज़्यादा आज नहीं देंगे ओके okay? ये दस 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 क्यों आया जब कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो ई सेम होगा हर साल और जो कमाती है वो हंड्रेड पे आउट में निकाल देती है तो ऑबियस ये बात है जितना कमा रहे हैं उतना बांटते जा रहे हैं तो वो जो अमाउंट है वी अज्यूम दैट इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अक्रॉस द ईयर टिल परपैचुटी बस ये जो वैल्यूएशन होता है ना मैं आपको बैकग्राउंड जितना समझोगे ना टॉपिक का उतना अच्छी क्लैरिटी आएगी आप ये ध्यान देना मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्या होता है कि जब आपको वैल्यूएशन का काम मिलता है ना मतलब आपको ऑफिस में तो हम वैल्युएशन करने के बाद वहाँ पे डेट और टाइम मेंशन करते हैं यू नो वाई विद द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ कोर्स वो आपको पता है क्यों आज ये कंपनी अभी मुझे देख के ऐसा लग रहा है दैट कंपनी जिंदगी भर ग्रो नहीं करेगी ओके ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेकिन हो सकता है दो घंटे के बाद पता चला दैट कंपनी हैज़ रिसिव्ड ह्यूज ऑर्डर सेल्स का ऑर्डर बहुत बड़ा मिला है एंड कंपनी नो ग्रोथ से सडनली हाई ग्रोथ में शिफ्ट कर जाएगी लेकिन जब मैं ये वैल्यूएशन कर रही थी तो मुझे ये बात पता नहीं थी तो मेरे को कोई गलत ठहराएगा उसके पहले मैं वहाँ लिख के छोड़ूंगी कि जब मैंने ये वैल्यूएशन करी तो मेरे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं था इसका मतलब आप जो भी वैल्यूएशन कर रहे हो वो उस टाइम उस टाइम तक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस तक के लिए रेलिवेंट होता है उसके बाद के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं Okay, I hope you understood this, and I assume, guys, this is a very, very easy part of your SFM curriculum. So, I would not be like investing too much of time explaining you uh, the, all these things. Let's go ahead quickly. Okay, so if no growth model, then you will not DPS na de because 100% payout ratio assume karte Next one constant growth model. B. Constant growth model. जीरो वन टू थ्री फोर फाइव पर पैचटी अगेन राइट तो समझो कि डी जीरो इज इक्वल टू टेन एंड जी दिस विल ग्रो एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट पर एनम फॉर एवर तो आपको पता है क्या होगा ये दस एंड इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव अगले साल पाँच परसेंट से बढ़ेगा फिर उसके अगले साल टेन इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव होल स्क्र एंड सो ऑन गाइज दिस विल बी टेन इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव इसको बोला जाता है ग्रोइंग जी पी सीरीज़ इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन तो टेन इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव डिवाइड बाई वन पॉइंट वन टू ये कैसी जीपी सीरीज़ हो गई ऊपर वाली जो जीपी सीरीज़ थी वो नॉन ग्रोइंग थी वो पैसा कांस्टेंट था इसमें ये पांच क्या है ये पांच वो रेट है जिससे आपकी कंपनी एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करती रहेगी ओके okay? एक वो रेट जिससे कंपनी हमेशा ग्रो करती रहेगी जिंदगी भर ओके okay? अब लोग बोलते हैं बहुत सारी बुक्स में बहुत कुछ आप पढ़ोगे कुछ कुछ लोग बोलते हैं दैट कॉन्स्टेंट रेट इज़ नथिंग बट द जी डी ग्रोथ रेट ऑफ द इकॉनमी आप जिस इकॉनमी में रहते हो अगर अपना अपने इंडिया में अगर इकॉनमी सेवन एट परसेंट से सपोज़ ग्रो करती है पाँच परसेंट से ग्रो करती है तो आपकी कंपनी कम से कम तो उतने से ग्रो करेगी ना इन ऑर्डर टू सर्वाइव ओके ऐसे बहुत सारे सारे यू नो अलग अलग स्टोरीज़ हैं सो एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ व्यू कि कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट क्या हो सकता है ओके okay? या फिर अगर सपोज करो कि आपने uh, दस रुपया कमाया सपोज कर आपने दस रुपया कमाया और दस रुपये में से या बीस रुपया आपने कमाया उसमें से दस रुपया सपोज़ आपने बांटा जो मैंने दस लिया आपका डी जीरो तो फिफ्टी परसेंट पे आउट हो गया अब उस वो जो दस रुपया आपने नहीं बांटा वो आप री इन्वेस्ट कर दोगे तो उस री इन्वेस्टमेंट की वजह से जो ग्रोथ आती है उसको उसकी वजह से भी यू नो कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल यू नो काइंड ऑफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको दो मिनट के बाद बताती हूँ मैंने क्या बोला अभी ओके नाउ हियर प्लस टेन इंटू वन पॉइंट ज़ीरो फाइव होल स्क्वायर डिवाइड बाय वन पॉइंट वन टू होल स्क्वेयर एंड दिस विल बी टेन इंटू वन पॉइंट ज़ीरो फाइव इन्फिनिटी बाय वन पॉइंट वन टू इन्फिनिटी ये जो आप मैंने जो इक्वेशन लिखी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते नॉर्मल तरीके से बिकॉज इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इस जीपी सीरीज़ को इस इनफाइनाइट ग्रोइंग जीपी सीरीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो एक फार्मूला मिलेगा P0 ज़ीरो इज इक्वल टू डी वन बाई के माइनस जी सी कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट ओके D0 ज़ीरो वन प्लस जी डिवाइड बाई के माइनस जी सी मतलब ये फॉर्मूला क्या है इस परपैचुअल ग्रोइंग जीपी सीरीज़ का मैथमेटिकल सल्यूशन ओके सो बेसिकली डोंट आस्क मी अ क्वेश्चन कि मैम ये फॉर्मूला याद करना है कि हाँ याद करना है अगर आपको जीपी सीरीज सॉल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है वन इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एट योर लेवल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सम्स को आप आगे बढ़ाओ ओ ओ ओके एक चीज़ जो मैं आपको बता रही थी ध्यान देना सपोज ईयर जीरो में खड़े हैं अपन ओके okay? यहाँ पर इक्विटी अपनी है हंड्रेड रुपीज़ ओके okay? सौ रुपये की इक्विटी है और आर रिटर्न ऑन इक्विटी टेन परसेंट है तो अपना ई पी एस लेट्स टेक ट्वेंटी परसेंट सो आवर ई पी एस विल बी इक्वल टू वॉट रुपीज ट्वेंटी नाउ आउट रेशियो इज सपोज फिफ्टी परसेंट ओके बिलीव मी इन द नो ग्रोथ मॉडल द पे आउट रेशियो विल बी हंड्रेड परसेंट ओके सो इन दैट सिनेरियो डी पी एस विल बी इक्वल टू वॉट रुपीज टेन ओके एंड रिटेंशन रिटेंशन कितना हुआ बी बी से डिनोट करते हैं रिटेंशन को रिटेंशन इज अगेन रुपीज टेन तो ये जो आपने रिटेन किया है ये अगले साल क्या हो जाएगा बताओ आप ईयर वन में आपका पैसा हो जाएगा एक सौ दस जो आपने रिटेन किया था आर ओई तो कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है तो ये कितना हो जाएगा आप बताओ यहाँ पे वन वन जीरो इंटू ट्वेंटी परसेंट विल बिकम वॉट रुपीज ट्वेंटी टू मैंने पे आउट रेशियो को कॉन्स्टेंट रखा रदर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का ये अजाम्शन ही है कि पे आउट रेशो को कॉन्स्टेंट रखना है तभी तो आप डिविडेंड पे ग्रोथ रेट लगाते हो अगर पे आउट रेशो चेंज हो रहा होता तो आप डिविडेंड पे थोड़ी ना ग्रोथ रेट लगाते ग्रो क्या करता है डिविडेंड ग्रो नहीं करता ईपीएस ग्रो करता है ओके okay? तो अगर डिविडेंड ग्रो करता तो बात ही कुछ और थी डिविडेंड नहीं ग्रो करता ईपीएस ग्रो करता है लेकिन अगर पे आउट रेशो कॉन्सटेंट होगा तो क्या होगा आप ईपीएस पे ग्रोथ रेट लगाओ और पे आउट रेशियो लगाओ या फिर आप सीधा डिविडेंड पे ग्रोथ रेट लगा दो बात एक ही होगी मैं आपको दिखाऊंगी दिस शुड बी रुपीज नो वी आर गोइंग टू पुट हियर 50% परसेंट फिफ्टी परसेंट एंड ट्वेंटी टू रुपीज इलेवन गाइज एंड रुपीज इलेवन ये इसी तरह से चलता जाएगा अगर आप कंपेयर करोगे ना किसको किसको आप इसको कंपेयर करो आप इसको कंपेयर करो आप इसको कंपेयर करो और आप इसको भी कंपेयर करो सब जगह पे ग्रोथ रेट आपको 10 परसेंट नजर आएगी मैंने ये फ़ाइव यहाँ पे रैंडमली ले लिया था मैंने कैलकुलेशन करके नहीं लिया था ओके okay, आप मैंने सीधा लिया कि डीपीएस डिविडेंड एस दस रुपये का है और ग्रोथ पाँच परसेंट पर एन का है गिवन टाइप से लिया था ओके okay? अगर इस बेसिस पे समझ आता तो डिविडेंड दस रुपये की आती और ग्रोथ दस परसेंट होती दैट डजेंट मैटर एट ऑल मैथमेटिकली अगर आपको uh, अगर दिया हुआ होगा तो आप कैलकुलेट करने को नहीं जाओगे कि कहां से आया और सही है कि नहीं इट कैन बी एनी मैं 100% अगर रिटेंशन के ऊपर ही ग्रोथ निकालोगे तो 10 आएगी वरना कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है ओके okay? सो so, G इज इक्वल टू बी इंटू आर वेयर बी इज रिटेंशन रेशियो एंड R इक्वल टू आर ओके सो जी विल बी इक्वल टू फिफ्टी परसेंट इंटू ट्वेंटी परसेंट विच इज़ इक्वल टू टेन परसेंट सो बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो दैट इस बार कंपनी पूरे पैसे नहीं बांट रही है राधर कुछ री इन्वेस्ट भी कर रही है बोल के द कंपनी इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ टेन परसेंट ओके सो आर ओ ई और डिटेंशन को एडजस्ट करके आप जो जी निकालते हो आप ये भी बोल सकते हो कि D1 बाई केई e में क्योंकि रिटेंशन नहीं हो रहा है इसलिए कंपनी ग्रो नहीं कर रही लेकिन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में पूरा पैसा नहीं बांट रहे थोड़ा बांट रहे हैं तो थोड़े पैसे रिटेन करके रीइनवेस्ट कर रहे हैं तो वो जो रिटेन करके री इन्वेस्ट किया और उस पर जो आर आपने कमाया वही आपकी ग्रोथ होगी फिर से रिपीट कर रही हूँ मैंने जो ऊपर 5% लिया था रैंडम लिया था कैलकुलेशन के ऊपर नहीं लिया था यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से आपको समझा रही हूँ दैट क्या फ़र्क है नो ग्रोथ में और कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल में तो अगर पाँच की जगह हर जगह पे अपन ले सकते हैं 1.10 पॉइंट वन जीरो एंड देन इट विल कम्प्लीटली मैच विथ ईच अदर दिस कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल गाइज एक और मॉडल है एक और मॉडल है सी द लास्ट वन मल्टीपल ग्रोथ मॉडल मल्टीपल ग्रोथ मॉडल यहां पे मैं आपको फॉर्मूला नहीं दे रही कोई भी दो तरह की कंपनी है एक कंपनी ऐसी और एक कंपनी ऐसी ओके तो ये आपका हो गया जी एस सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट और ये आपका हो गया जी सी जी एस देन ट्रांजिशन एंड जी सी मल्टीपल ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या हुआ एक ऐसी कंपनी जो कुछ सालों तक हाई ग्रोथ में ग्रो करेगी उसके बाद उसकी ग्रोथ फॉल कर जाएगी ओके तो ये द फर्स्ट वन दिस वन दिस वन द फर्स्ट वन वॉज लाइक थोड़ा क्रिटिसाइज्ड वाई बिकॉज ऐसा तो कभी नहीं होगा ना दैट कंपनी इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ फोर्टी फिफ्टी परसेंट फॉर फाइव ईयर्स एंड अगले साल से वो पाँच परसेंट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं इट के नॉट बी एन एब्रप्ट फॉल तो इन इम्प्रोवाइजेशन के बाद इन्होंने वो क्या बोला अगर सपोज़ कोई कंपनी थर्टी फोर्टी परसेंट से ग्रो कर रही है फॉर टू थ्री फोर ईयर्स एंड तो धीरे धीरे फॉल होगा ना कंपनी के जो सेल्स वो धीरे धीरे फॉल करेगी एंड देन इट विल स्टेबिलाइज टू अ कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट ओके दिज आर मल्टीपल ग्रोथ मॉडल सम्स आई थिंक गाइज नो ग्रोथ पे और कॉन्स्टेंट ग्रोथ पे मुझे इतना कोई सिखाने की जरूरत नहीं बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी वेरी बेसिक लेवल वी विल स्टार्ट सम्स फ्रॉम द मल्टीपल ग्रोथ मॉडल ओनली आई होप यू आर एंजॉइंग इट एंड लेट्स डू वन और टू सम्स इन द कैटेगरी एंड देन गो है नॉलू का ठीक है मैंने एक सम डाला है यहाँ पे एक्स लिमिटेड रिपोर्टेड an ई पी एस ऑफ रुपीज the फॉर द ईयर जस्ट एंडेड एंड पे आउट रेशियो ऑफ फोर्टी परसेंट द अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट थर्टी परसेंट पर एन एम फॉर द नेक्स्ट फोर ईयर्स बियॉन्ड द फोर्थ ईयर द ग्रोथ रेट वुड बी सिक्स परसेंट पर एम फॉर एवर आपका काम क्या होगा कि आपको ध्यान ये देना है सम के अंदर में कि सम जो बनाया उन्होंने वो सम में ये वाली चीज़ है मतलब ये वाले हिसाब से सम चल रहा है कि ये वाले हिसाब से चल रहा है बिकॉज आपका फ़र्क आ जाएगा सोल्यूशन बनाने के तरीके में आपको फर्क आएगा गाइस ओके okay? तो मैं आपको बता रही हूँ सम पढ़ते हैं फिर आपको समझ जाएगा so, में क्या बोला एक्स लिमिटेड रिपोर्टेड एन ई पी एस ऑफ ट्वेल्व फॉर द ईयर एंडेड यानी कि ई पी एस जीरो एंड अ पे आउट रेशियो ऑफ फोर्टी परसेंट ओके द अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट पर एनम फॉर द नेक्स्ट फोर ईयर्स यानी अगले चार साल तक कंपनी थर्टी 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 तक ग्रो करेगी बियॉन्ड द फोर्थ ईयर द ग्रोथ रेट विल बी वुड बी सिक्स परसेंट पर एनम फॉर एवर यानी पास से लेके जिंदगी भर कंपनी की ग्रोथ रेट सिक्स परसेंट की होगी फाइंड आउट द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ़ द शेयर इफ आर आर इज एटीन परसेंट पर एन एम टू वरी जस्ट बी रिलैक्सड सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ई पी एस लिया है ट्वेल्व का राइट और पे आउट रेशियो फोर्टी परसेंट है तो डी पी एस क्या निकलेगा फोर पॉइंट एट यानी डी जीरो राइट और 30 परसेंट फोर ईयर्स एंड 6 परसेंट बियॉन्ड फोर ईयर्स मैंने P0 में ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद भी करनी है P0 जीरो विल बी वैल्यू इन जी एस एंड वैल्यू इन जी सी मतलब क्या हुआ कि आप देखो अब जैसे नो ग्रोथ में और कॉन्स्टेंट ग्रोथ में क्या था नो no ग्रोथ में तो ग्रोथ ही नहीं थी और कॉन्स्टेंट ग्रोथ में कंपनी वन से लेके शुरुआत से लेके जिंदगी भर एक ही रेट से ग्रो कर रही थी राइट बट मल्टीपल ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ की रेट चेंज हो रही है guys. तो अपने एक कोई फार्मूला से नहीं सॉल्व कर सकते अपने को वो फेजेज में लेना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल अगर डायग्राम आपको दिखाऊंगी मैं अगर अगर सुपर नॉर्मल ग्रोथ चार साल है तो चार साल का प्रेजेंट वैल्यू अलग निकालो और जिंदगी भर की वैल्यू अलग निकालो और फिर दोनों को ऐड करके अपन फाइनल वैल्यू दे सकते हैं ओके okay? आगे बढ़ती हूँ वाइल यूजिंग डिविडेंट डिस्काउंट मॉडल वी प्राइमरली अज्यूम टू पॉइंट्स द डिविडेंट्स ग्रो एट द सेम रेट एज ई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपन कर रहे हैं कि जिस रेट से ईपीएस ग्रो कर रहा है उसी रेट से डिविडेंड्स भी ग्रो कर रहे हैं प्रैक्टिकली ये नहीं भी हो सकता है द पे आउट रेशियो चेंज अक्रॉस द मेचोरिटी अनलेस द सम स्पेसिफाइज टू डू सो अगर सम ने बोल दिया बीच में कि पे आउट रेशियो चेंज करेगा तो सम का फॉर्मेशन अलग हो जाएगा ओके okay? वो ध्यान देना आप नाउ वट डिड आई डू आप ध्यान देना कैलसी प्लीज गाइज यू कैन स्टार्ट द कैलसी सो दैट यू कैन कम अलॉन्ग विथ मी अब पहले कितने साल का जी एस है चार साल का तो चार साल का पहले हिसाब कर लेते हैं तो फोर पॉइंट एट का आपका डिविडेंड था डी जीरो ओके प्लस थर्टी परसेंट तो बनेगा आपका डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर फोर पॉइंट एट प्लस थर्टी परसेंट गिव यू सिक्स पॉइंट टू फोर दिस वन ओके सिक्स पॉइंट टू फोर प्लस थर्टी परसेंट विल गिव एट पॉइंट डबल वन टू दिस वन आप टाइमलाइन बना के दिखाऊंगे आपको मैं एंड प्लस थर्टी परसेंट यू डिविडेंड फॉर द थर्ड ईयर टेन पॉइंट फाइव फाइव एंड प्लस थर्टी परसेंट डिविडेंड थर्टीन पॉइंट सेवन वन ये आपको चार साल का डिविडेंड हो गया तो टाइम पे टाइम पे जीरो वन टू थ्री एंड फोर ये चारों वैल्यूज सिक्स पॉइंट टू फोर एट पॉइंट वन वन टेन पॉइंट डबल फाइव एंड थर्टीन पॉइंट सेवन वन कुछ भी नहीं कर रही हूं इन सबको ऐसा कर रही हूं समझा गा तो चार साल की वैल्यूएशन पहले करते हैं एटीन परसेंट के हिसाब से डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालें वन डिवाइड बाय पॉइंट एट फोर सेवन इक्वल टू पॉइंट सेवन वन एट पॉइंट सिक्स जीरो नाइन एंड पॉइंट फाइव वन सिक्स जस्ट कीप ऑन चेकिंग द कैलकुलेशन ऑल्सो देन आई मल्टीप्लाई माई डिविडेंड्स विद द फैक्टर्स एंड आई गेट ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स जीरो सिर्फ चार साल का हुआ है ओके okay, इन्फिनिटी बाकी है ना तो बेसिकली कितना बाकी है पता है आपको पांच से लेके इन्फिनिटी तक जो कैश फ्लोज हैं वो सारे बाकी हैं उनकी डिस्काउंटिंग होनी चाहिए उनकी कैसे होगी वो देखो आपने नोटिस किया एक बात दैट बेसिकली फिफ्थ ईयर से ये कंपनी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल बन जाएगी आर यू गेटिंग द पॉइंट फिफ्थ ईयर से ये कंपनी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल बन जाएगी मतलब ये तो थर्टीन पॉइंट सेवन वन है ना यहाँ से अगर मैं आ, ले लूँ ना एक लाइन गिव मी मिनट प्लीज़ अगर मैं चार से यहाँ से एक लाइन ले लूँ तो ये आपको पता है ये ज़ीरो यहाँ पे जाके खड़े हो जाओ आप और ये इन्फिनिटी हो गया तो बेसिकली गाइस यहाँ पे फोर्थ ईयर के एंड पे क्या है थर्टीन पॉइंट सेवन वन मतलब वो जीरो हो गया तो 13.71 ये वाली ये वाला वैल्यू राइट तो 13.71 आपका फोर्थ ईयर का डिविडेंड है ये वाला ये देखो ना ये वाला ये वाला आपका फोर्थ ईयर का डिविडेंड है ये बन जाएगा डी जीरो ओके और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लगा दो अब उसके बाद कंपनी जिंदगी भर छः परसेंट से ग्रो कर रही है एट दैट छः परसेंट से ग्रो कर रही है तो थर्टीन पॉइंट सेवन वन इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स मतलब डी जीरो इज थर्टीन पॉइंट सेवन वन थर्टीन पॉइंट सेवन वन इंटू वन पॉइंट डी वन ओके डिवाइड बाय के माइनस जी सी ओके क्या होगा पता है आप याद करो कि जब आप मैं लिख के दिखाती हूँ आपको जब आप पी जीरो निकालते हो तो आप लिखते हो डी वन बाई के ई माइनस जी सी ध्यान करना राइट तो जब वन और जिंदगी भर वन और जिन, इस फॉर्मूला का मतलब खाली एक डिविडेंड नहीं है वन से लेके जिंदगी भर के कैश लोस को अगर डिस्काउंट किया जाए तो जीरो पे क्या मिलेगा पी जीरो सिमिलरली अगर पांच से लेके जिंदगी भर के कैश कैश्लोस को डिस्काउंट किया जाए दैट मीन्स डी फोर इज नथिंग बट डी जीरो मैंने नीचे लिखा है आपके लिए डी फोर इज नथिंग बट डी जीरो लेकिन डी फोर नहीं लेना ना जीरो की वैल्यू डी जीरो डी फोर में अगर मतलब तो बेसिकली करूंगी तो वो D5 हो जाएगा चार साल का तो डिविडेंड आपने ले लिया वन टू थ्री फोर डी वन डी टू डी थ्री डी फोर वो डिस्काउंट हो चुका अब क्या लेना है डी फाइव तो डी फाइव डिवाइड बाई के माइनस जी सी अगर आप डी फाइव पांच और जिंदगी भर का कर डिस्काउंट करोगे तो आपको P0 नहीं आएगा आपको P4 आएगा वैसे ही जैसे आप D1 को डिस्काउंट करते हो तो P0 आता है एक कम। उसी तरह से आप D5 और जिंदगी भर के कैशलोस को डिस्काउंट करोगे तो आपको P4 मिलेगा फिर चार में जो वैल्यू लाके आप खड़ी करोगे उसको वापस डिस्काउंट करके हम जीरो पे लाएंगे एट दैट नाउ एट दैट सो पी डी फाइव एट दैट डी फोर वन प्लस डी सी के माइनस डी कैन यू सी दिस फॉर्मूला थर्टीन पॉइंट सेवन वन इंटू वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स पॉइंट वन एट माइनस ये भी कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल बना लेकिन वन से नहीं पाँचवें साल से ऐसे समझना है ओके okay? ये वैल्यू आएगी अब ये जो वैल्यू है वन ट्वेंटी वन पॉइंट वन जीरो फाइव ये यहाँ पे आके खड़ी हो गई यहाँ पे और ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो पे है और 121 जो आपने जिंदगी भर का निकाला ये चार के एंड पे है दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकती तो 24.60 को जीरो पे रहने दो इसकी डिस्काउंटिंग करो चार साल से और जीरो पे लाओ तो आपको ये वैल्यू मिलेगी दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 87.10 सेवन पॉइंट वन ज़ीरो एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली इफ़ यू हैव अ डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी और मेल मी और टेक्स्ट में भी मैंने यूट्यूब पे भी वैल्यूशन के कुछ वीडियोस डाले हुए हैं आप प्लीज़ उनको भी आप रेफ़र कर सकते हो वो रेगुलर बैचेस के हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा होगी उसमें आ, मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स लिए होंगे बट यहाँ पे मुझे हमने दो घंटे अलॉट किए हैं इक्विटी को तो नॉर्मली वी वी यू नो कैंड वी वे लॉट ऑफ टाइम बट क्योंकि मैंने दो घंटे अलॉट किए हैं तो आई हैव टू कवर एवरीथिंग इन दीज टू आवर्स ओनली मे बी दो का ढाई घंटा कर सकती हूँ बट उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी ओके बिकॉज एज़ पर द शेड्यूल वी हैव टू फिनिश इन टाइम है ना आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चला ये कौन से वाले का था ये इसके ऊपर था ये इसके ऊपर गया ये गया तीस चार साल तक गिर गया पाँचवें साल से ये कितना हो गया ये देखो ना एक दैन दो दैन तीन और ये था चार ये था आपका पाँच और ये परपैचुटी तो ये ये यहाँ तक थर्टी परसेंट था ये थर्टी 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 एंड थर्टी और यहाँ से हो गया सिक्स परसेंट जिंदगी भर तो आपने चार साल का हिसाब अलग किया और बाकी पाँचवें साल से ज़िंदगी भर का हिसाब आपको अलग से करना पड़ा एक समय इस कैटेगरी में भी करवाती हूँ जस्ट अ सेकेंड प्लीज कम नाउ यहाँ पे सम देखो आप कंसिडर अ फर्म विच पेड अ डिविडेंड ऑफ रुपीज सेन पर शेयर दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ सिक्सटी परसेंट पर एनम फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स बियॉन्ड द थर्ड ईयर द ग्रोथ रेट विल स्टार्ट फॉलोइंग इन अ लीनियर फैशन सो एज टू बिकम फोर परसेंट पर एनम फ्रॉम द सेवेंथ ईयर आप देखो थर्ड ईयर बोला फिर सेवेंथ ईयर पे आ गए तो फोर का ग्रोथ रेट नहीं अपने पास फाइव का नहीं और सिक्स का भी नहीं और एक वर्ड पे ध्यान देना लीनियर फैशन ओके आर ओ आर इज़ ट्वेंटी परसेंट तो कैसे निकालते हैं पता है आई थिंक वी हैव डन इट ऑल्सो लुक एट हियर तो बेसिकली मैं क्या बोल रही थी आपको ये ज़ीरो है एंड सपोज दिस इज़ वन ईयर दिस इज सेकेंड दिस इज़ थर्ड दिस इज़ फोर दिस इज़ फाइव दिस इज सिक्स दिस इज सेवन दिस इज एट एंड सो ऑन ओके okay. तो आप देखो ये दो कॉर्नर मिले हमें एक ये कॉर्नर और ये सेवेंथ ईयर का कॉर्नर दो कॉर्नर अपने को मिले तो मेरे को निकालना पड़ेगा ना कि तीन के बाद चार की ग्रोथ रेट क्या थी पाँच की ग्रोथ रेट क्या थी और छः की ग्रोथ रेट रेट क्या थी क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि तीन साल तक सिक्सटी सिक्सटी और सिक्सटी है राइट चार का पता नहीं पाँच का पता नहीं छः का पता नहीं सातवें साल में ग्रोथ की रेट चार हो गई ओके okay. सो so कैसे निकाला बाकी तीन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ग्रोथ रेट सिक्सटी थी ओके okay? और सिक्सटी से गिर के चार हो गई फोर तो कितना फॉल हुआ सिक्सटी माइनस फोर फिफ्टी सिक्स परसेंट का फॉल हुआ कितने सालों में एट कैटिब तो बेसिकली गई यहाँ मैं लिखा यहाँ पे फॉल इन द ग्रोथ रेट पर एनम. 60 सिक्सटी परसेंट माइनस फोर परसेंट एंड सेवेंथ ईयर से मैच कर रहा है फोर एंड थर्ड ईयर से मैच कर रहा है सिक्सटी यानी चार सालों में तो फोर्टीन परसेंट पर एनम तो मैंने क्या किया सिक्सटी माइनस फोर्टीन करोगे तो फोर्टी सिक्स आएगा फोर्टी सिक्स माइनस फोर्टीन करोगे तो थर्टी टू आएगा और थर्टी टू माइनस फोर्टीन करोगे तो एटीन आएगा ओके okay? छठे साल में सातवें साल में चार परसेंट हो गया ऐसा समय उन्होंने बोला है तो गाइज यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थाट वो क्या बोलता है कि दो स्कूल ऑफ थाट है राधर राधर मैं इतना डिटेल करना नहीं चाह रही थी बट स्टिल लेट्स डिस्कस इट प्रॉपरली एक स्कूल ऑफ थाट ये बोलता है तो मैं क्या करती हूँ सम सम्म करते समय कि अपने को क्या बनाना है वैल्यू इन जी एंड वैल्यू इन जी सी ओके तो मैं क्या करूंगी यहां पर कि मैं सात साल तक सात साल तक जीएस ले लेती हूँ जैसे शेड्यूल ऊपर बनाया था सेवन ईयर्स तक मैं जीएस लूंगी और एटथ ईयर और जिंदगी भर को अपन ले लेंगे जी सी के लिए सो फॉर सेवन ईयर्स आई विल टेक जी एस वाई बिकॉज जब तक फोर दो बार हिट नहीं हुआ मुझे पता कैसे चला कि कॉन्स्टेंट ग्रोथ फेज ऑलरेडी आ चुका है दैट इज वाई ओके एंड इंस्टीट्यूट ऑल्सो गोज लाइक लाइक दैट ओनली ओके तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन विल बी आवर जी एस फेस एंड उसके बाद अपने जी सी द सेम वैल्युएशन मॉडल द वे यू हैव डन इन द प्रीवियस सम समल्सो ओके आगे बढ़ते हैं अपन नाउ हियर सेम वैल्यू इन जी एस एंड जी सी वैसे तीन कर सकते थे वैल्यू इन जी एस ट्रांजिशन एंड जी सी बट वाई टू मेक इट अनवील्डी एंड अनमैनेजेबल ना नॉट रिक्वायर्ड ओके अब यहाँ दो सत्रह दिया हुआ है डिविडेंड डी डी जीरो डी दिया हुआ है आपको सम में तो सेवनटीन प्लस सिक्सटी परसेंट यू कैन ऑपरेट योर कैलसी इज ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू प्लस सिक्सटी परसेंट फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव टू फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव टू प्लस सिक्सटी परसेंट विल बी दिस ओके उसके बाद आपको ध्यान देना है कि ग्रोथ की रेट आपकी चेंज हो रही है 46, 32 एंड 18 ऊपर लिया है ना और देखो सेवन इयर्स तक मैंने जीएस फेज लिया है और ये वैल्यू निकाली सात साल की अगली वैल्यू आएगी डी एट D8 एट डिवाइड बाई के माइनस जी और अगर D8 है तो P हो जाएगा सेवन ओके okay? मतलब आप जो वैल्यू निकालोगे ध्यान देना आठ से लेके जिंदगी भर की वैल्यू जो आप डिस्काउंट करोगे वो सात में खड़ी होगी ओके okay? उसकी आप वापस प्रेजेंट वैल्यू करोगे लुक एट दैट D8 P7 है ना और ये 1070 आपका निकल गया दिस वैल्यू इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द सेवेंथ ईयर इसकी वापस प्रेजेंट वैल्यू निकालो एंड यू गेट 298 दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा दिस इज दैट सिंपल एक्चुअली ओके ओके So, till now we have studied uh, dividend discount model and we have learned no growth model, then constant growth model and multiple growth model. Okay. So I hope all of you are clear by now. The next model that I am going to start is called free cash flow approach. Just guys, pehle bhi bola hai that ki discounted approach is the model hote. Number one, dividend discount model, and number two, cash flow discounting. डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज़ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द रिटेल अगर जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर मैं किसी कंपनी का 100-200 स्टॉक खरीदती हूँ आई एम नॉट बॉर्दर्ड अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी एट ऑल आई वुड बी ओनली इंटरेस्टेड इन कि मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा और मेरा स्टॉक कितने में सेल हो पाएगा दैट्स माई इंटरेस्ट बट इफ आई एम बाइंग अ स्टेक इन अ कंपनी देन पॉसिबली आई एम नॉट बॉर्दर्ड अबाउट डिविडेंड बिकॉज एज डिस्कस्ड बिफोर आई विल बी अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ओनली एंड आई विल डिसाइड दैट हाउ मच डिविडेंड आर सपोज टू बी पेड ओके आई वुल बी मोर बॉदर्ड कि कंपनी कितना हार्ड कैश जनरेट करती है सारे खर्चों को मीट करने के बाद ओके सो हियर इन द फ्री कैश फ्लो अप्रोच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली वन समलवेज वी डू गेट फ्री कैश फ्लो अप्रोच में एक सम हमेशा बिजनेस वैल्यूएशन के सम्स भी इसको बोला जाता है सो मोर और लेस सेवन मार्क्स के लिए एट मार्क्स के लिए एक सम फ्री कैश फ्लो अप्रोच पे जरूर आता है पेपर में ऑफ एंड ऑन वन एक एग्जाम में आया एग्जाम में नहीं आया बट आता रहता है तो फ्री कैश फ्लो अप्रोच का जो मॉडल है मैं मॉडल वर्ड बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में अगर कोई बात आ रही है कि ये क्यों नहीं लिया ये खर्चे क्यों नहीं लिए वो खर्चे क्यों नहीं लिए तो अपन अपने मन से कुछ भी चीज़ नहीं ले सकते मॉडल के अंदर जो बताया गया है कि भाई इस चीज़ को लेना है और इस चीज़ को नहीं लेना है तो मैं उतना ही लेने वाली हूँ उससे ज़्यादा अपन नहीं ले सकते तो किस पैसे को किस कैश फ़्लो को वी कैन कॉल फ्री कैश फ़्लो तो आई से कि सारे खर्चे ऑपरेशनल एंड ग्रोथ रिलेटेड एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद एक कंपनी के पास में जो पैसे बच जाएंगे उसको बोला जाएगा फ्री कैश फ्लो टू द फॉर्म ओके वेन आई से ऑपरेशनल खर्चे मीट करने के बाद तो ऑपरेशनल खर्चे इफ आई स्टार्ट फ्रॉम सेल्स दैन सेल्स में से अपन वेरिएबल एक्सपेंसिस माइनस करेंगे अपने डेप्रिसिएशन सॉरी फिक्स एक्सपेंसिस माइनस करेंगे दैन अदर एक्सपेंसिस भी माइनस करेंगे एंड देन आई विल रिमूव डेप्रिसिएशन बिकॉज दो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश चार्ज लेकिन डेप्रिसिएशन पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है एंड दैट इज व्हाई आई विल डेफिनेटली रिमूव डेप्रिसिएशन फ्रॉम माई एज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल एक्सपेंस ओनली डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आई एम गोइंग टू गेट ई ओके अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ओके ई में से मैं माइनस करने वाली हूँ टैक्स एंड आई विल गेट नो पैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर

तो पॉसिबली आई एम गोइंग टू गेट ई बी आई टी ये जो चीज है ये जो चीज है जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लेस ये जो चीज है ये वाला इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग इनकम सो प्लीज बी केयरफुल इन द एग्जाम कि वो लोग आपको ऑपरेटिंग इनकम दे रहे हैं कि आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रहे हैं एंड दिस वन दिस वन इज कॉल्ड नेट ऑपरेटिंग इनकम दोनों सेम नहीं होंगे सो बी केयरफुल अगर नेट ऑपरेटिंग इनकम दिया है तो वापस से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा बिकॉज डेप्रिसिएशन ऑलरेडी उसमें एडजस्ट किया हुआ है अगर सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम दिया है मतलब दे आर गिविंग यू ई और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद यू विल गेट ई ओके नाउ ई माइनस टैक्स ओके एंड यू गेट ई बी आई टी वन माइनस टी मैनी स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क मी दैट मैम आपने आई माइनस नहीं किया डू यू मीन टू से कि हमको इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज दैट क्योंकि यू नो आई वेंट इंटू अ लॉट ऑफ लाइक स्टडी इन दिस मॉडल एंड वॉट आई कूड ओनली अंडरस्टैंड इज दैट कि जब ये मॉडल बनाया गया बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिटेलिंग पार्ट ऑल्सो जब यह मॉडल बनाया गया तो उन्होंने क्या देखा कि ये कंपनी ये फर्म ये ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट लाइक अ मनी मेकिंग मशीन ओके तो और किन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं डेट और इक्विटी वालों ने ये तो हमने बाईफर्केशन किया है ना कि डेट और इक्विटी वालों ने पैसे लगा रखे हैं राइट क्योंकि अगर 100 करोड़ की कोई मशीन आई है तो 100 करोड़ पूरा इक्विटी वाला भी डाल सकता था और 100 करोड़ में से अगर 50 डेट वाला और 50 इक्विटी वाला डाला है तो मशीन उतना ही हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगी जितना उसको देना चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेयर फ्रॉम वेयर द मनी हैज़ कम ओके तो इन लोगों ने जब ये मॉडल बनाया फ्री कैश फ्लो का तो दे डिड नॉट सेग्रीगेट बिटवीन डेट एंड इक्विटी उन्होंने ही सिर्फ ये दिमाग लगाया इफ अ फर्म इज लाइक अ कैश जनरेटिंग मशीन देन सारे खर्चों को मीट करने के बाद वेन आई से सारा खर्चा आई मीन टू से ऑल द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वो मीट करने के बाद एंड ग्रोथ रिलेटेड एक्सपेंसिस को मीट करने के बाद फर्म के पास में कितना हार्ड कैश बचेगा हायर द बेटर अल्टीमेटली वो जो पैसे बचेंगे वो अल्टीमेटली किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे डेट और इक्विटी के बीच में सो मे बी दे डिड नॉट इवन कंसिडर की डेट और इक्विटी होगा दे जस्ट फोकस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि एक कंपनी है और ये एक इससे अपने को पैसा बनाना है तो सारे खर्चे रेवेन्यू जनरेट करो उस मशीन को यूज़ करके और सारे खर्चों को मीट करो कंपनी को ग्रो कराने के लिए जो भी आपको चाहिए खर्चे वो भी खर्चे करो वो सारे खर्चे मीट करने के बाद जो भी पैसा बच जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज फ्री कैश फ्लो टू द फर्म when i say firm i strictly mean to say debt and equity both okay if there is no debt in the company then definitely free cash flow to the firm becomes like free cash flow to the equity only so in the model possibly they have not given any you know kind of attention that money is being distributed uh, between debt and equity going completely to equity they are more bothered towards valuation of the business model okay so this is and this ebit 1 minus t when you remove tax from the ebit uh, then you get ebit 1 minus t okay not pat pat you will get only after removal of the interest component and that ebit 1 minus t technically is called no pat Net operating profit less taxes. Okay, going further here, let's see maybe uh, something. So, the theory says that the free cash flow model is based on the view that the value of a business is the present value of expected future cash flows left out after meeting all the operational expenses and growth related expenses. When I say growth related expenses, ऑपरेशनल तो समझ गया क्योंकि ऑपरेशनल ई बी आई टी में से वन माइनस टी जब माइनस किया या वन माइनस टी हमने किया तो ऑटोमेटिकली जो हमारे हाथ में है वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद ही पैसा है राइट अब उसमें से ग्रोथ रिलेटेड एक्सपेंसेस हमको माइनस करना पड़ेगा अब ग्रोथ से रिलेटेड कौन से एक्सपेंसेस होते हैं ग्रोथ से अगर कंपनी की ग्रोथ करनी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल में पैसा डालना पड़ेगा तो पर एन रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू नो इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली मैं कंपनी रन कर रही हूँ पैसा कमाई अब कंपनी को रन करने के लिए मुझे ग्रोथ भी कराना पड़ेगा तो उस ग्रोथ को फंड करना पड़ेगा उसको फंड करने के लिए मुझे पैसे डालने पड़ेंगे तो कुछ पैसे जाएंगे कैपिटल एक्सपेंसेस में मतलब इन्वेस्टमेंट में टू बिल्ड द न्यू असेट्स तो यू नो वैन आई केपिक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी बाईफरकेटेड इन टू टू पार्ट बेसिकली नंबर वन विल बी यूज टू बिल्ड न्यू असेट्स, एंड केपिक्स विल बी यूज टू मेंटेन द वेयर एंड टेयर बट वी फॉट दैट कि मैंटेन वेयर एंड टेयर वाले के लिए तो हमने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एलोकेट कर रखा है तो बेसिकली वैन आई सेपिक्स आई मीन टू सी द टोटल रिक्वायरमेंट तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि ई बी आई टी वन माइनस टी में से जब मैं पैसे ड्रॉ करूंगी कंपनी को ग्रो कराने के लिए खर्च करना है मुझे तो मैं पूरा ड्रॉ करूं कि सिर्फ नए एसेट्स के लिए ड्रॉ करूं नए एसेट्स के लिए ड्रॉ करेंगे वाई बिकॉज हमने डेप्रिसिएशन के जितना ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है ना मतलब अगर मेरी टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड वेयर एंड टेयर करोड़ सपोज एंड वी आर एलोकेटिंग एंड ट्वेंटी फॉर द न्यू एंड फॉर वेयर एंड टेयर तो बीस तो ऑलरेडी हमने अरेंज कर लिया ऊपर में बार बार थोड़ी माइनस करेंगे तो अपने सिर्फ नेट एटी माइनस करेंगे एंड प्लस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आई टेल अ फ्यू मोर थिंग्स हियर मे बी So, basically, I have written here that free cash flow to the firm and free cash flow to the equity. Guys, I think we are missing out on the equation part. Let's understand the equation now. So, free cash flow to the firm. Okay. So, free cash flow to the firm will be EBIT 1 minus T. प्लस डेप्रिसिएशन एड बैक द डेप्रीसिएशन बिकॉज इट्स अ नॉन कैश चार्ज देन माइनस केपेक्स एंड माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल चेंज का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी सेल्स इस साल सपोज करो कि एक हजार करोड़ थी और मैंने ट्वेंटी करोड़ का मे बी या फिर दो सौ करोड़ का मैंने वर्किंग कैपिटल डाला हुआ था दैट इज अ रिक्वायरमेंट दैट मीन्स माय रिक्वायरमेंट इज ट्वेंटी परसेंट तो अगले साल अगर मेरी सेल्स एक हज़ार करोड़ की सेल्स अगर थर्टी परसेंट से बढ़ जाती है तो एक हजार करोड़ प्लस थर्टी परसेंट तेरह सौ करोड़ ओके okay? तो मेरा जो वर्किंग कैपिटल है वो ऑलरेडी दो सौ करोड़ इन्वेस्टेड है ओके okay? तो थर्टीन हंड्रेड करोड़ में अगर ट्वेंटी परसेंट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी टू की होगी तो दो तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है ना मैं इंक्रीमेंटल और साठ ही डालूंगी पूरा 260 वापस से थोड़ी ना डालूंगी बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड एट ऑल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज बेसिकली आपका पैसा फंस जाता है मार्केट में राइट right? बट वो पैसे वापस भी तो आते हैं सो so एक बार 200 करोड़ आपके फंसे हुए इसका ये मतलब नहीं है यू हैव लॉस्ट दैट मनी दैट मनी विल बी रिकवर्ड पैसे कहां फंसे हुए क्लोजिंग स्टॉक में डेटर्स में इन सब चीजों में सो वेन यूर ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल विल बी कंप्लीट दैट टू हंड्रेड करोड विल बी रिलीज सो इफ यू सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बिकम or increase by 30 percent, that means you would invest or require only additional amount, not the whole of it again. You will not keep on putting that 200 crores again and again. You will only put the additional amount and that is why we are saying change in working capital investment, not the whole amount. Okay, now here. So, if you rearrange this equation, you will find that this is FCFF is equal to EBIT वन माइनस टी माइनस केपिक्स माइनस जो मैंने अभी भी दो मिनट पहले बोला कि हम पूरा इस अमाउंट में से कौन से अमाउंट में से इस अमाउंट में से पूरा माइनस नहीं करेंगे हम सिर्फ डिफरेंस अमाउंट एटी माइनस करेंगे अगर केपिक्स इज हंड्रेड ट्वेंटी हैज़ बिन ऑलरेडी ऊपर माइनस कर लिया ना डी वापस वापस थोड़ी माइनस करेंगे अपन तो अपने ए टी माइनस करेंगे और क्या माइनस करेंगे द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू मे बी इन द सी ए इंटर और आई पी सी सी वॉट एवर यू हैव डन उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कैपिटल बजटिंग चैप्टर में वहाँ पे uh, अपने पाँच साल का हिसाब बनाते थे एंड वी यूज टू डू अ इन्वेस्टमेंट फॉर द वर्किंग कैपिटल एंड पाँच सालों के बाद वर्किंग कैपिटल रिलीज होता था इफ यू रिमेंबर एट ऑल द वर्किंग कैपिटल मनी यूज टू गेट रिलीज्ड ओके एंड द फिक्स्ड एसेट्स आल्सो यूज टू बी सोल्ड इन द मार्केट और वो पैसे हमें मिलते थे लेकिन वो यहाँ पे नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि कैपिटल बजटिंग में हिसाब सिर्फ पाँच साल का था पाँच साल के बाद प्रोजेक्ट बंद तो जो भी फिक्स्ड एसेट है मशीन वगैरह है आपकी बिल्डिंग है उसको आप मार्केट में सल्टाओ सल्टा के सैलवेज बोला जाता है वो पैसे अंदर लोगे और जो पैसे आपके पाँच सालों तक बिजनेस को रन करने के लिए इन्वेस्ट करना था वो आपने इन्वेस्ट किया आपका बिजनेस का रिक्वायरमेंट अब खत्म हो चुका है प्रोजेक्ट बंद हो रहा है तो वो पैसे आपके रिकवर हो जाते थे लास्ट ईयर में फिफ्थ ईयर में सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रनिंग अ प्रोजेक्ट फॉर फाइव ईयर्स हियर देयर विल बी नो रिकवरी बिकॉज वी आर अज्यूमिंग अ गोइंग कंसर्न सो आई एम अज्यूमिंग दैट मेरी कंपनी जब तक चलेगी टिल परपैचुटी सो so नेचुरली जब मेचोरिटी की डेट रिडेम्पशन की डेट ही नहीं आ रही है प्रोजेक्ट बंद होने की डेट ही नहीं आ रही है तो जो पैसे आप डाल रहे हो वो डालते ही जाओगे और 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 फंसता चला जाएगा रिकवरी उसी दिन होगी जिस इन कंपनी बिकेगी या जिस इन कंपनी का बिजनेस बंद होगा नॉट बिफोर दैट दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोजेक्ट एंड अ बिजनेस अदरवाइज जो भी कैश फ्लो हम बनाते हैं वो जैसे कैपिटल बजटिंग में बनाते थे बिल्कुल सेम कैश फ्लोज यहाँ पर हम बनाते हैं कोई भी तरह का फ़र्क नहीं है ओके okay? सो वी आर गोइंग ए हेड नाउ एंड सो बेसिकली गायस इन द फ्री कैश फ्लो मॉडल वैल्युएशन कैसे करेंगे फ्री कैश फ्लो तो इस तरह से निकालेंगे लेकिन मैम वैल्यूएशन कैसे करेंगे लू गैट हियर नाउ सो अगेन द मॉडल विच आई डिस्कस विथ यू बिफोर इन द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल नो ग्रोथ मॉडल अगर ये नो ग्रोथ मॉडल हुआ मतलब अगर मैंने आपको बोला कि मेरी कंपनी बीस uh, करोड़ का फ्री कैश फ्लो आज कमाई ज़ीरो में कमाया 20 करोड़ का कैश फ्लो और ये कंपनी 20 करोड़ का कैश फ्लो जिंदगी भर कमाती रहेगी विदाउट एनी चेंज दैट मीन्स दर इज नो ग्रोथ इन द कैश फ्लो एट ऑल सो इट विल कम टू द कैटेगरी ऑफ नो ग्रोथ मॉडल अब ना एक टाइम अगर मैं लूँ परपैचुटी का जैसे मैंने ऊपर लिया था तो जीरो पे वन टू थ्री डॉट 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 आई कैन गो अप टू परपैचुटी सो ट्वेंटी 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 एंड ट्वेंटी टिल हियर

PV of a perpetual cash flow is A by r. In dividend discount model, we call it D1 by k. So naturally, because yeah, dividend discount model, may, the cash flow was dividend and the discounting factor was k. Here, our we cannot write dividend. We are going to use what? FCFF one divided by kC. Why kC? Why not k? Because डिविडेंड वॉज बिलोंगिंग ओनली टू इक्विटी एंड दैट इज वाई द अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग फैक्टर वॉज ओनली के बट फ्री कैश फ्लो टू द फर्म के अंदर सिर्फ इक्विटी का पैसा नहीं है डेट और इक्विटी दोनों के पैसे हैं तो डिस्काउंटिंग फैक्टर में दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए के सी कैसे कैलकुलेट करोगे यू हैव ऑलरेडी रेड एंड सी एंटर बट स्टिल आई वॉन्ट टू राइट दैट के सी विल बी डब्ल्यू डी के डी वन माइनस टी प्लस डब्ल्यू ई के ई इट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल केसी ओके तो सबसे पहले जब भी कोई सम फ्री कैश फ्लो टू द फॉर्म का आएगा तो सबसे पहले केसी को ढूंढो या तो के सी डायरेक्टली दिया हुआ होगा और अगर उन्होंने केसी डायरेक्टली नहीं दिया है तो प्लीज कैलकुलेट दिल डेफिनेटली गिव यू डेटा टू कैलकुलेट द के ससी द फर्स्ट वर्किंग नोट विल बी टू कैलकुलेट द के सी ओके सो बी अवेयर अबाउट दैट नाउ Constant growth form, A constant growth model. Constant growth model. may, VOF will be FC FF one by KC minus GC D one by KE minus GC that you have learned already. Then the third one, multiple growth model. मल्टीपल ग्रोथ मॉडल में एस आई हैड सेड फॉर सम ईयर्स कंपनी विल ग्रो एट सुपर नॉर्मल रेट एंड उसके बाद द कंपनी विल स्टेबिलाईज टू सम कॉन्स्टेंट रेट तो कैसे लिखोगे वी ओ एफ इक्वल टू वैल्यू इन जी एस प्लस वैल्यू इन जी सी ओके नाउ तीनों में से कोई भी मॉडल से आपने क्या निकाला वी ओ एफ वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लिया अगर मैं आपको सब में बोलूं आप मुझे वैल्यू ऑफ़ फ़र्म नहीं मुझे प्राइस पर शेयर चाहिए तो आप क्या करोगे आपको वैल्यू ऑफ़ द फर्म के अंदर क्या है वो पता होना चाहिए वैन यू डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो टू द फर्म उसके अंदर डेट और इक्विटी दोनों का पैसा था तो जब आपने वैल्यू निकाली तो वैल्यू दोनों की निकली यानी वैल्यू ऑफ द फर्म के अंदर डेट भी है और इक्विटी भी है तो बेसिकली व्हाट विल यू डू वी ओ वट इज़ दैट वैल्यू ऑफ़ इक्विटी will be vof minus debt. debt may. the learning part is that agar samke andar, they are giving you market value of debt and book value of debt. take so market value of debt because what you are calculating vof is not book value of the firm, it is the market value of the firm. so market value of the firm minus market value of the debt will give you market value of equity. So the price per share, price per share will be VOE divided by number of shares. Okay, so this is a learning part that you have to all learn basically. Okay, so let's go ahead and do one sum here. The following details are available with regard to the projected operations of Pragati Limited. Okay, now here, sales DIY. पाँच सालों का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं डेप्रिसिएशन दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है करेंट असेट्स का मतलब हुआ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है ओके okay. मुझे एक बात बताओ खाली अगर साल के शुरुआत में आप पैसा डाल रहे हो तो आप पूरा डाल रहे हो कि सिर्फ उस साल की रिक्वायरमेंट का डाल रहे हो उस साल की सिर्फ रिक्वायरमेंट का डाल रहे हो पूरा नहीं डाल रहे पूरा डालने की जरूरत भी नहीं है करेक्ट ना सो बी अवेयर दे हैव ऑलरेडी गिवन यू द केपिक्स एंड द चेंज इन वर्किंग कैपिटल का पार्ट दिया हुआ है पूरा केपिक्स नहीं दिया हुआ है ओके नाउ द कैश फ्लोस एक और चीज डेटा में दिया हुआ है वो वो है पोस्ट टैक्स नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो यू नो बेसिकली यू नो काइंड ऑफ व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिजनेस से जो पैसे आते हैं उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेकिन non-operating cash flow means like, you know, what, like sale of a plant and all that. so that will not be a part of the operations. it is like a non-operational cash flow, but it will be definitely considered as a part of the valuation, the whole of the thing. it will not be ignored at all. so what is written? the company has long-term debt carrying an interest rate of 12.5% and has some non-interest-bearing current liabilities. the cost of equity capital is 16%. Okay the company does not have other long term sources of finance the market value of equity is 50 lakhs and the market value of debt is 30 lakhs the effective tax rate applicable to the company is 36% from the 6th year onwards the free cash flow of the company is expected to grow at the rate of 8% per annum you are required to calculate the value of the company using the discounted cash flow approach

And debt is this, and I think we are sorted with the data, right? Now, W D K D one minus T W E K E. So you can see that the working note, as I told you, the first thing that you should see in a free cash flow sum is where is your K C. So 30 by 80 into 12.5 one minus 36 percent. I think it is very simple, and we have calculated K C as 13 percent. Now we have to schedule. Banana hai. और शेड्यूल बना करके हमको देखना है दैट कैश लोस फ्री कैश लॉस कितने आ रहे हैं तो so सेल्स का डेटा एज इट इज़ मैंने कॉपी किया गया इस ऑपरेशनल एक्सपेंसिस को माइनस किया जाएगा यू विल गेट ई बी डी आई टी वेन आई से ऑपरेशनल एक्सपेंसिस मैं बोलना चाह रही हूँ बोथ फिक्सड एज वेल एज वेरिएबल ई बी डी आई टी उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस किया वो सब में दिया हुआ था मैंने कुछ नहीं किया है ई बी आई टी निकाला ई बी आई टी में से मैंने टैक्स निकाला तो आई गॉट नो no पैट उसमें डिप्रिसिएशन को एडबैक किया केपेक्स जो दिया हुआ है वो माइनस किया वो जो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है सम में उसमें क्या बोला इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि जो भी पैसे डाले हैं वो चेंज वाला कॉम्पोनेंट है पूरा नहीं डाल रहे हैं तो वी हैव जस्ट कॉपीड दैट अमाउंट हियर एंड वी गेट ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो टू द फर्म मतलब बिजनेस को चला करके इतना हार्ड कैश अगले पाँच सालों तक कंपनी कमाती रहेगी उसमें नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो को हमने ऐड किया वी गेट फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। सो व्हाट, जैसे आपको वहाँ पे D1, D2, D3, D4 मल्टीपल वाले में D4, D5 मिला था यहाँ पे आपको मिला है एफ सी एफ एफ वन एफ सी एफ एफ टू एफ सी एफ एफ थ्री फोर एंड फाइव द डिस्काउंटिंग मेथड विल रिमेन द सेम You will use 13% KC to discount the cash flows. Same way, I have value in GS and value in GC. Okay? Let's see how it is calculated. The same method. I am not explaining this. I assume that we all know how to calculate. This is value in GS. I have just copied these amounts, this, 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 and this in the column and discounted. What you got is just the value for five years. Abhi, humais, क्योंकि इक्विटी इज अ गोइंग कंसर्न अ परपैचुअल इंस्ट्रूमेंट वी नीड टू डिस्काउंट द कैश फ्लोज स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर सिक्स स्टिल परपैचुअटी कैसे करूंज एक तरीका तो ये है कि मैं 86.6 में ग्रोथ 86 रेट लगा दूं। लेकिन मैं 86.6 में ग्रोथ 86 रेट लगाना नहीं चाहती क्यों hmm. क्यों नहीं लगाना चाहती कैन यू सी आई हैव डिडक्टेड एटी में से ट्वेंटी Why? आप पांचवें साल के डेटा को जिंदगी भर में आप एक्स्ट्रा पोलेट कर रहे हो जिंदगी भर में लेकिन आप भूल गए कि 86.6 में ये 22 था किस चीज का ये तो हमें पता नहीं लेकिन एटलीस्ट रेकरिंग तो नहीं दिखता इट डजेंट लुक टू बी रेकरिंग यू नो इफ आई कंसिडर 86.66 डू यू मीन टू सेव यू आर गोइन टू गेट ट्वेंटी एवरी ईयर नो so while you are calcula calculating value for future time then you should eliminate the effect of abnormal income and abnormal losses okay so i am not taking 22 as a part of my valuation we will हमने एक बार 22 ले लिया बात खत्म एक बार तो 22 लिया है ना ऊपर में ऊपर 22 लेकर के तो 86.6 आया है लेकिन 86.6 में 86.6 को d फ़ाइव के तौर पे यूज़ करने का मतलब हुआ आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप मैम जिंदगी भर बाईस 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 आता रहेगा मेरे को जो कि गलत है एंड दैट इज़ वाई आई हैव रिमूवड ट्वेंटी टू फ्राम दिस एंड एफ सी एफ एफ फाइव इज़ वॉट एटी एटी सिक्स पॉइंट सिक्स माइनस ट्वेंटी टू ओके एटी सिक्स पॉइंट सिक्स माइनस ट्वेंटी टू विल गिव मी सिक्सटी फोर पॉइंट सिक्स और सिक्सटी फोर पॉइंट सिक्स को मैंने फ्यूचर में एक्स्ट्रापोलेट किया दैट मींस एफ सी एफ एफ सिक्स डिवाइड बाई के सी माइनस जी सी वॉट डू मीन बाई दैट इसका मतलब यह हुआ कि छह साल से लेके जिंदगी भर के कैश फ्लो को डिस्काउंट करके पांच में लाओ वेयर माई कैश फ्लो ऑफ फिफ्थ ईयर विल बी ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ एट परसेंट पर एनम टिल परपैचुटी ओके तो वैल्यू आती है वन थ्री नाइन फाइव पॉइंट थ्री सिक्स की ओके okay? उसको डिस्काउंट करके ये पाँच है ना ये पाँच और ये था अपना जीरो में ये कहाँ पे खड़ा है अपना वैल्यू जीरो में दिस इज एट टी इक्वल टू जीरो एंड दिस इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ व्हाट फिफ्थ ईयर सो डिस्काउंट दिस वैल्यू बाय फाइव ईयर फैक्टर एंड गेट द वैल्यू एट बोथ ऑफ देम यू गेट द वैल्यू ऑफ द फॉर्म एट टी इक्वल टू जीरो एंड दैट्स वॉट दे हैव आस्ट वाई कंप्यूटिंग एफ 6 एफ एफ सिक्स वी डिड नॉट टेक नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो कॉम्पोनेट एज इट इज सीम्स लाइक अ नॉन रेकरिंग आइटम समझा गाइस? एक्चुअली मैं आपको बोलना क्या चाहती थी कि फ्री कैशलो अप्रोच में ना गाइस बहुत तरह के एडजस्टमेंट्स आते हैं मतलब कोई एक एडजस्टमेंट नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में वर्किंग कैपिटल के बारे में बहुत तरह के एडजस्टमेंट्स हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपने पास टाइम इतना कम है ना कि मैं सारी बातें अगर करना जा, करने को जाऊंगी तो पूरा पोर्शन ही छूट जाएगा अपना तो एक एक जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी लेकिन वो अपन सम के साथ करते हैं सो अस डू दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन नंबर फोर तो आई विल राइट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन आई विल नॉट डू इट वर्बली और जब वो सम करूंगी तब आपको मैं वो एडजस्टमेंट दिखाऊंगी एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है सम को आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम के अंदर में सो लेट्स लीड द सम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई लिमिटेड विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट पर आनम फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स After which the growth rate will stabilize at 8% per annum, normal level in perpetuity. Okay? Then, revenues ka data diya hua hai cost of goods sold diya hua hai operating expenses diya hua hai capital expenditure zero ka diya hua hai depreciation दिया हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? It is included in COGS also and operating expenses also। ऐसा possible नहीं है। या तो वो COGS में होगा, या operating expenses में होगा। दोनों में include नहीं होना चाहिए ideally। तो I will assume that कि वो एक जगह पे ही इंक्लूडेड है मतलब मेरे कहने का रेवेन्यूज में से जब मैं कॉक्स माइनस करूंगी जब मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूंगी तो आई विल नॉट गेट ई बी डी आई टी आई विल गेट ई बी आई टी ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट राइट ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ पीरियड रेवेन्यूज एंड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज विल ग्रो एट द रेट ऑफ 20% परसेंट पर एनम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डिप्रिसिएशन capital expenditure net of depreciation will grow at the rate of 15% per annum from year 4 onwards. that is normal growth period. revenues and ebit will grow at 8% per annum and incremental capital expenditure will be offset by the depreciation. during both high growth and normal growth period, net working capital requirement will be 25% of the revenues.

ये वाला ठीक है ये वाला फार्मूला राइट right? और एक फार्मूला है ये वाला तो अगर अगर उन्होंने बोला कि नेट केपेक्स विल ग्रो एट अ सर्टेन रेट दिया है ना तो नेट केपेक्स का मतलब होता है केपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन ये वाला पार्ट डिफरेंस मतलब आप डेप्रिसिएशन को अलग से और केपेक्स को अलग से नहीं बढ़ाओगे ओके इन फ्यूचर आप क्या करोगे जीरो में ही खड़े होकर के केपिक्स का और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस ले लोगे और उस डिफरेंस को ही ग्रो कराओगे वैसे भी गैज़ आप आपके जो टैक्स भरने के बाद जो पैसा बच गया है उस पैसे में से न्यू एसेट यू नो वी आर गोइंग टू बिल्ड ओके सो नेचुरली वॉट इज इंक्रीजिंग इज अ न्यू नेट एसेट बिल्ट एक्चुअली तो नेट कैपिक्स को बढ़ाओगे आप डिफरेंस को मतलब अलग से डिप्रिसिएशन अपन बढ़ाते हैं फिर अपन यू नो ई कैलकुलेट करेंगे फिर अपन टैक्स हटाएंगे फिर माइनस केपैक्स करेंगे फिर के को अलग से बढ़ाएंगे ओके तो दो बार नहीं करके अपन एक काम कर सकते हैं वी डायरेक्टली कम टू ई रिमूव टैक्स वी गेट ई बी माइनस टी मैं इसकी बात कर रही हूँ ये वाला पार्ट एंड उसमें से केपिक्स माइनस डेप्रिसिएशन का जीरो में खड़े होकर डिफरेंस लेते हैं और उस डिफरेंस को अपन ग्रो कराते हैं समझ गया अभी सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि सम्य लैंग्वेज यूज करिए वो आपको यूज करके मैं बता देती हूं क्या बोलना चाह रही हूं मैं उन्होंने क्या लिखा है दिस लाइन ये लाइन के बारे में बात करिए लोग क्या बोल रहे हैं जब हाई ग्रोथ फेज होगा तो क्या होगा कि आपका केपेक्स मतलब ग्रॉस केपेक्स विल बी मोर देन डेप्रिसिएशन बिकॉज आपको पैसे वेर एंड टेर के लिए भी लगेंगे और आपको न्यू एसेट्स के लिए के लिए भी लगेंगे तो नेचुरली योर ग्रॉस केपेक्स विच विल where depreciation is inclusive, okay? Where entire part is inclusive. तो दैट अमाउंट विल बी बिगर देन डेप्रिसिएशन लेकिन एक बार जैसे ही आपका हाई ग्रोथ फेज खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा उस सिचुएशन में आपको नए एसिड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पैसा चाहिए सिर्फ वेयर एंड टेयर को मेंटेन करने के लिए इन दैट सिनेरियो केपिक्स विल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन वो ये बोलना चाह रहे हैं आपको आई होप यू अंडरस्टूड दैट पार्ट मुझे सम करने दो आप आई थिंक आई विल भी बेटर ऑफ एक्सप्लेनिंग यू ओके सो लेट्स गो हैड नाउ ओके सो नेम ऑफ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर सो आई कैन स्टार्ट द सम फ्रॉम ई ओनली वी डोंट वॉन्ट नीड टू स्टार्ट द सम फ्रॉम लाइक पूरा रेवेन्यू से शुरू नहीं कर रहे अपन ओके सो ईयर हाउ मेनी इयर्स? वन देन टू एंड देन थ्री ओके सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ई सो ई बी आई टी ज़ीरो का सबसे पहले होगा सेवन फाइव डबल जीरो माइनस थ्री थाउजेंड माइनस टू टू फाइव जीरो वैन आई डू दिस यू नो आई एम गेटिंग ई बी आई टी फॉर जीरो ओके अगेन सेवन थाउजेंड क्रॉस चेक सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस थ्री थाउजेंड माइनस टू टू फाइव जीरो आई एम गेटिंग टू टू फाइव जीरो ओनली एंड दे आर सेंग रेवेन्यूज विल ग्रो एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट सो प्लस ट्वेंटी परसेंट गिव मी टू सेवन डबल जीरो Plus 20% will give me three two four zero, and plus 20% will give you three triple eight. Okay, then again, EBIT one minus T tax at So the tax rate is basically 30%. So 2,700 minus 30% will give me one eight nine zero. तो टू सेवन टू वन पॉइंट सिक्स आई एम श्योर गायज मैंने यहाँ पर सेम तरीके से लिखा होगा थोड़ा देखते हैं अपन यहाँ पर थोड़ा जल्दी हो जाएगा अपना ओके लो कैट ही नाव सो टू सेवन डबल जीरो थ्री टू फोर जीरो ई बी आई टी थ्री ट्रिपल एट मैंने फोर्थ ईयर का भी यहाँ पर लिया है तो फोर्थ ईयर का जब लिया ना तो मैंने थ्री ट्रिपल एट में आई हैव एडेड एट परसेंट पर आए नाम एट परसेंट बिकॉज ये जो फेज़ है ना ये वाला पार्ट ये ये यहाँ तक यहाँ तक आपका जी है ओके okay? और जो ये वाला पार्ट यहाँ से ये है ये जी है तो यहाँ पे आपने ग्रो किया है एट परसेंट के रेट पे तो आप चेक करो ना थ्री ट्रिपल एट प्लस एट परसेंट विल गिव यू फोर वन डबल नाइन पॉइंट जीरो फोर फिर मैंने ये निकाला ई बी आई टी वन माइनस ट्री निकाला सबका लेस केपिक्स माइनस इसको बोलते हैं नेट केपिक्स ओके तो मैंने क्या किया जैसे मैंने बोला 750 फिफ्टी माइनस सिक्स हंड्रेड मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ना डेटा अपने को 750 फिफ्टी इज़ योर केपिक्स एंड 600 हंड्रेड इज़ योर डिप्रिसिएशन दोनों का डिफरेंस लिया इंक्रीमेंटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द न्यू एसेट्स तो वो आया 150 फिफ्टी जीरो में 150 है सो so 150 फिफ्टी प्लस उन्होंने ग्रोथ रेट डिप्रिसिएशन और केपिक्स के लिए अलग दे रखी है ओके okay? कैसे तो एक फैमिली चलती है फॉर एग्जाम्पल सेल्स और वर्किंग कैपिटल का रेट एक होगा केपिक्स और डेप्रिसिएशन का रेट एक होगा और एक्सपेंसिस का रेट रेवेन्यू के जितना सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है ओके okay? ना यहाँ पे उन्होंने ग्रो कराया अपने को 15 परसेंट उन्होंने बोला है तो 150 प्लस 15 परसेंट विल गिव मी 172.5 जस्ट चेक इट आउट ऑन कैसे प्लस 15 परसेंट वन नाइन्टी एंड प्लस 15 परसेंट इस टू ट्वेंटी यहाँ पर हमने डैश लिया है क्यों उन्होंने बोला है ना दैट के विल बी ऑफ सेट बाई डेप्रिसिएशन इन द स्टेबल फेज मतलब जितना आपने डेप्रिसिएशन एड बैक किया उतना ही केपिक्स माइनस कर दिया तो वो नेट हो गया ओके okay? माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये आपको सीखना जरूरी है तो दो तरह के सम होते हैं जो सम मैंने इसके पहले कराया आपको उस सम में आप देखना आपको वर्किंग कैपिटल का ग्रॉस अमाउंट नहीं दे रखा है आपको वर्किंग कैपिटल का चेंज अमाउंट दे रखा है आप बोलोगे मैम उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज एंड विल डू इट कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ओके सो ईयर जीरो वन टू थ्री एंड फोर ओके यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इन्होंने क्या बोला वर्किंग कैपिटल विल बी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रेवेन्यू ओके तो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज़ माई रेवेन्यू इन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट सो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पॉइंट टू फाइव विल बी वन एट सेवन फाइव वन एट सेवन फाइव दिस विल ग्रो एट द सेम रेट एज रेवेन्यूज सो प्लस ट्वेंटी परसेंट गिवस मी टू टू फाइव जीरो प्लस ट्वेंटी परसेंट गिव मी टू सेवन डबल जीरो प्लस ट्वेंटी परसेंट विल गिव मी थ्री टू फोर जीरो एंड प्लस एट परसेंट बिकॉज तीन से चार में आठ परसेंट पे ग्रो कर रहा है थ्री फोर डबल नाइन पॉइंट टू अब आप एक चीज इम्पोर्टेंट नोटिस करना है यहाँ पर चेंज इन वर्किंग कैपिटल जीरो में सेवन फाइव डबल जीरो की सेल्स को सपोर्ट करने के लिए मुझे वन एट सेवन फाइव का वर्किंग कैपिटल चाहिए अगले साल प्लस ट्वेंटी परसेंट के साथ मुझे टू टू फाइव जीरो चाहिए बट वन एट सेवन फाइव तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है ना तो डिफरेंस कोई और इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर क्योंकि वर्किंग कैपिटल के पैसे कोई जिंदगी भर के लिए नहीं फंस जाते इट गेट्स स्टक इट कम्स बैक इट गेट्स स्टक सो आई आई हैव ऑलरेडी अलॉटेड वन ओनली द इंक्रीमेंटल अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड ओके सो टू टू फाइव ज़ीरो माइनस वन एट सेवन फ़ाइव अगर मैं करती हूँ तो ये आता है थ्री सेवेंटी फाइव टू सेवन डबल ज़ीरो माइनस टू टू फाइव ज़ीरो अगर आप करते हो तो आपका आता है फोर फिफ्टी ओके थ्री टू फोर ज़ीरो माइनस टू सेवन डबल ज़ीरो करते हो तो वो आता है फाइव फोर्टी एंड यू नो व्हाट थ्री फोर डबल नाइन पॉइंट टू माइनस थ्री टू फोर ज़ीरो अगर आप करते हो तो टू फिफ्टी नाइन पॉइंट टू आता है इफ़ यू सी इन दोनों में डेटा में फर्क है आप यहाँ से यहाँ आप वन टू थ्री में देखो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है आपका तीन से चार में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गया बिकॉज ग्रोथ कम हो गई है गाइज ओके नाउ आप बोलोगे आप क्या पढ़ा रहे हो हमें पता नहीं चल रहा है मैं बताती हूँ क्या पढ़ा रही हूँ अगर सम के अंदर में वर्किंग कैपिटल का डेटा चेंज दिया है चेंज ओके okay? देन तो आप ये जो शेड्यूल आपने बनाया आप तीन का बनाते आप चार का नहीं बनाते लेकिन अगर सम में वर्किंग कैपिटल एब्सोल्यूट, जैसे यहाँ पे 1875 एब्सोल्यूट अमाउंट ये चेंज कॉम्पोनेंट नहीं है दिया है तो उस केस में आप जीएस का शेड्यूल बनाओगे और जीसी के फर्स्ट ईयर का भी बनाओगे मतलब चार का भी यहां पे बनाओगे क्यों वो सुनो स्टार्ट योर कैलसी अगर मैं अगर चेंज वर्ड देती आपको सपोज इफ आई वुड हैव गिवन यू चेंज तो आप क्या कर सकते थे 375 सेवेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी परसेंट चेक इट आउट फोर आया प्लस ट्वेंटी परसेंट फाइव आया आप प्लस एट परसेंट करोगे आपको 583.2 आ रहा है फिर से 375 सेवेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी परसेंट मैं किस पे लगा रही हूँ रेट मैं लगा रही हूँ चेंज पे एबसोल्यूट अमाउंट पे नहीं तो आया 450 फिफ्टी 20 540, प्लस ट्वेंटी परसेंट करो फाइव फोर्टी प्लस एट परसेंट करो फाइव एटी थ्री पॉइंट टू आया गया आपने नोटिस नहीं किया तीन से चार के बीच में एक्चुअली वर्किंग कैपिटल को नीचे जाना चाहिए था टू फिफ्टी नाइन पॉइंट टू आंसर आना चाहिए था मगर आया फाइव एटी थ्री पॉइंट टू जो कि गलत है तो मैम अब हम क्या करें आप ये करोगे कि आप तीन साल के तीन साल तक का ही शेड्यूल बनाओगे और तीसरे साल के एंड में जो एफ सी आएगा उसमें वन प्लस जी लगाकर एफ सी एफ एफ फोर कैलकुलेट करोगे उसको डिवाइड बाय के सी माइनस जी करोगे तो आपका सम बराबर जाएगा लेकिन अगर सम के अंदर में आप अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब पूरा अगर दिया हुआ है लाइक वन एट सेवन फाइव तो आप चाहो तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन द फोर्थ ईयर भी कैलकुलेट कर सकते हो एंड इन दैट सिनेरियो यू विल नॉट डू एफ सी एफ एफ थ्री वन प्लस जी सी टू गेट वन एफ सी एफ एफ फोर रादर यू कैन कैलकुलेट एफ सी एफ एफ फोर द वे आई एम डूइंग फॉर द फोर्थ ईयर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखो कहीं पे वो तीन साल का बनाते हैं कहीं पे वो चार साल का बनाते हैं ये रैंडम नहीं है इट्स वेरी वेल डिजाइंड एंड वेल अंडरस्टूड ओके सो लेट्स गो हेड नाउ नाउ हियर यू कैन सी 259.2, सो हियर ये वर्किंग कैपिटल लिया, ये आपका हो गया एफ सी एफ एफ वन देन टू एंड थ्री ये तीन एफ सी एफ एफ का अपन डिस्काउंटिंग करेंगे एफ सी एफ एफ वन एफ सी एफ एफ टू एफ सी एफ एफ थ्री टू गेट वैल्यू इन जी एस ओके वैल्यू इन जी एस की वैल्यू निकालने के बाद एफ सी एफ एफ फोर कैसे लोगे आप 2680.128 डिवाइड बाय केसी माइनस जीसी उसमें ऑलरेडी चौथे साल का जीसी का रेट ऑलरेडी लगा हुआ है उसमें वापस से वन प्लस जीसी नहीं करना अगर इस सम में चेंज देता तो हम 2680.128 कैलकुलेट नहीं कर पाते और हमको 1953.47 में वन प्लस जी का रेट लगा करके हमको कंटिन्यूइंग वैल्यू वैल्यू इन जी कैलकुलेट करना पड़ता ओके लेट्स गो हैड नाउ सो यू कैन सी तीन साल का लिया है एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ थ्री ईयर्स हियर एफ सी एफ एफ वन एफ सी एफ एफ टू एफ सी एफ एफ थ्री एट टीक टू जीरो एफ सी एफ एफ फोर एज इट इज वहाँ से लिया और ये वैल्यू निकाली ये थ्री है तीन साल के डिस्काउंटिंग करके ये वैल्यू निकाली दोनों को टोटल किया वैल्यू आ गई ओके आई होप यू अंडरस्टूड वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओके okay, ध्यान देना कहाँ पे तीन साल का बनाना है कहाँ पे चार साल का इस सम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चार बोल रही हूँ बाकी हर सम में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ जी एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एंड उसके बाद का जी वैरी करेगा अगर पाँच साल का जी है तो पाँच साल का आएगा और एफ सी एफ सिक्स को यूज़ किया जाएगा जीसी की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट बी अवेयर वर्किंग कैपिटल का डेटा चेंज दे रखा है कि अपसेल्यूट अमाउंट दे रखा है डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल डिसाइड वेदर टू अप्लाई वन प्लस जी सी और टू कैलकुलेट दैट अमाउंट यू नो फॉर एग्जाम्पल इन दिस सम एफ सी एफ एफ थ्री में वन प्लस जी सी नहीं लगाया एफ सी एफ एफ फोर कैलकुलेट किया क्योंकि वर्किंग कैपिटल का डेटा था मेरे पास में ओके सो लेट्स गो हैड नाउ गाइज द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल अब इसके बाद सारे टॉपिक्स बहुत ईजी आएंगे आपको इक्विटी के अंदर में रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है वो सुनो मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी की मार्केट में लिस्टिंग नहीं हो रखी है इसलिए मार्केट का के हिसाब से मेरी प्राइजिंग नहीं निकल पाई नंबर वन नंबर टू मेरी कंपनी नई है ओके एंड इसकी वजह से मेरे डिविडेंड की भी कोई हिस्ट्री नहीं है ओके और भी बहुत सारी चीज़ें दैट मीन्स मुझे अपनी कंपनी के बारे में या अपनी कंपनी के वैल्यू के बारे में पता नहीं है तो डू यू मीन टू से कि मेरी कंपनी की वैल्यू नहीं है है तो so, मैं कैसे वैल्यू निकालूं एक मेथड होता है जहां पे बोला जाता है कंपेरेबल फॉर्म्स अप्रोच कैसे सपोज करो कि मेरी कंपनी बिस्किट बनाती है ओके तो मार्केट से मैंने क्या किया तीन प्रॉक्सी कंपनीज़ को आइडेंटिफाई किया पार्लेजी सनफीस्ट एंड ब्रिटानिया अज्यूम करो कि वो प्रॉक्सीज मेरे कंपनी के जैसे ही दिखती है या मैं अपनी प्रॉक्सीज के जैसे ही दिखती हूँ मैंने हिंट दिया है दैट इफ यू आर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉक्सी दैट मीन्स यू शुड लुक सिमिलर टू योर प्रॉक्सी इफ यू आर यूजिंग देम टू कंप्यूट योर वैल्यू ओके अब मैंने क्या किया तीनों कंपनीज का प्राइस अर्निंग मल्टीपल निकाला पी ई -E मल्टीपल पी ई -E मल्टीपल ऑफ सपोज ए बी सी कंपनी बोलती हूँ ए बी एंड सी तीन पी ई -E मल्टीपल आ गए तीनों का मैं लूँगी एवरेज ओके okay? एवरेज लेने से मुझे पता चला कि एवरेज पीई मल्टीपल ऑफ़ द इंडस्ट्री मिल गया मुझे उसके अंदर में मैं अपनी अर्निंग्स को अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट माई प्राइस माई वैल्यू दिस वॉज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स इसी तरह से मैं चाहूं तो और भी मल्टीपल्स यूज कर सकती हूं फॉर एग्जाम्पल प्राइस बाई सेल्स मल्टीपल तो आई विल कंप्यूट p by s or price to sales multiple for all the three companies average them and use them to compute my value on the basis of sales average ps multiplied with my sales will give me value of my company based on sales a meripas do value one based on earnings one based on sales okay i can't have two values then what i can do अगर मुझे लगता है मेरी इंडस्ट्री के अंदर में अर्निंग का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है तो मैं दो मार्केट वैल्यूज़ में अर्निंग को ज़्यादा वेट दूंगी सेल्स को कम वेट दूंगी अगर दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं तो जो यू कैन जस्ट एड टू मार्केट वैल्यूज एंड डिवाइड बाई टू सेंग दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ योर कंपनी और माई कंपनी यही होता है रिलेटिव वैल्यूशन मॉडल के अंदर ओके अपन राइज आगे जा रहे हैं ओके okay? अब यहाँ पे मैंने एक सम ले रखा है समय इस तरह से चल रहे हैं अपन एक्स वाई लिमिटेड अ सीमेंट मैनुफैक्चरिंग कंपनी हैज़ हायर्ड यू एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी द सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ बिन वेरी स्टेबल फॉर सम टाइम एंड द सीमेंट कंपनीज एसके एंड एस आर सिमिलर इन साइज एंड हैव सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट मिक्स कैटिस्टिक यूज कंपेरेबल मेथड टू वैल्यू द इक्विटी ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड ओके आई थिंक दिस ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था आई थिंक दिस एग्जाम विच एग्जाम एम टॉकिंग नवंबर 19 एग्जाम तो यहाँ पे मैंने आपको दो मल्टीपल लिए प्राइस अर्निंग मल्टीपल और प्राइस टू सेल्स मल्टीपल कोई जरूरी नहीं है ये दो चलेंगे आप कोई भी मल्टीपल ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तीन ले सकते हो चार ले सकते हो पाँच ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सम के अंदर में ओके okay, इसमें लिखा है इन परफॉर्मिंग द एनालिसिस यूज़ द फॉलोइंग रेशियोज मार्केट टू बुक वैल्यू मार्केट टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट मार्केट टू सेल्स एंड मार्केट टू नेट इनकम दैट इज अर्निंग्स मैंने दो लिए थे लास्ट के तीन और चार इसमें दो और लेने को बोला है कोई प्रॉब्लम नहीं है नाउ लुक एट दैट अब मैं क्या करूंगी कि मार्केट टू बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू कहाँ पर एसके की ये वाली और बुक वैल्यू कहाँ है ये रही तो इन दोनों का मल्टीपल निकाला इसका मतलब क्या हुआ दैट एस के इज ट्रेडिंग एस के इज ट्रेडिंग इन द मार्केट वन पॉइंट वन टू फाइव टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू Similarly, AS is trading 1.33 times of its book value. OK? Dono ka liya humne average. Try out 1.125 plus 1.33 divided by 2 will give you 1.2275. Aagya? Average market to book value multiple in the industry. OK? Then similarly, market to replacement cost. Market ki value 450. रिप्लेसमेंट कॉस्ट 600 मल्टीपल निकाला तो निकला 0.75 सेवन फाइव हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस मीन्स दैट एस के लिमिटेड इज ट्रेडिंग पॉइंट सेवन फाइव टाइम्स ऑफ इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड एस इज ट्रेडिंग पॉइंट सेवन थ्री टाइम्स ऑफ इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट एवरेज दोनों को ऐड करके बाय टू पॉइंट सेवन फोर उसी तरह से हमने सेल्स और अर्निंग्स का भी निकाला गया इस अब ये जो मल्टीपल्स आए ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला उसमें जिस कंपनी की हमें वैल्यूएशन करनी है किसकी वैल्यूएशन हमें करनी है हमें हमें करनी है एक्स वाई की वैल्यूएशन uh, तो एक्स वाई का डेटा ये रहा ना तो बेसिकली व्हाट विल यू डू नाउ हियर यू विल मल्टीप्लाई वन पॉइंट डबल टू सेवन फाइव विद द बुक वैल्यू ऑफ एक्स वाई कहाँ है बुक वैल्यू टू फिफ्टी देखो ये रहा ओके देन यू विल मल्टीप्लाई पॉइंट सेवन फोर टू द रिप्लेसमेंट कॉस्ट फाइव हंड्रेड देखो यहाँ पे ये रहा ओके okay? थ्री सेवेंटी आया देन यू विल मल्टीप्लाई पॉइंट एट डबल फाइव टू द सेल्स फाइव हंड्रेड से आप मल्टीप्लाई करोगे ये रहा और ट्वेंटी फाइव को आप मल्टीप्लाई करोगे नेट इनकम फोर्टीन के साथ में और वो ये रहा आपकी चार वैल्यू एक कंपनी की चार वैल्यू नहीं हो सकती ये चार डिफरेंट पैरामीटर्स पे वैल्यू निकाली गई है इन्होंने समय कोई वेट नहीं दे रखा है कि कौन से पैरामीटर को कितना वेट देना है तो मैंने क्या किया चारों को ऐड करके चार से डिवाइड कर दिया तो एवरेज वैल्यू आ गई 363.59 डिपेंडिंग ऑन फोर पैरामीटर्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट सेल्स देन पैट एंड बुक वैल्यू गाइस ये बहुत इजी होता है अगर एग्जाम में सम आता है इट्स लाइक अ हैप्पी थिंग वाई आई मीन इट्स वेरी वेरी इजी टू मैनेज ऑल ऑफ यू वुड हैव डेफिनेटली डन बिफोर ऑल्सो एंड अभी भी तो आपको समझा होगा राइट क्विकली अपन आगे बढ़ते हैं बिकॉज काफ़ी पोर्शन पेंडिंग है अपना अभी ये जो टॉपिक है ना रेसिडुअल वैल्यूशन मेथड ये जो लास्ट कई सालों से इन्होंने ये टॉपिक पे एस एफ एम में सम्स नहीं पूछे पहले बहुत पूछते थे अभी नहीं पूछा उसका रीजन ये है कि एफ आर में कंपलसरी ईवीए का एक सम आता ही आता था अभी जब से न्यू कोर्स आया है ईवीए हट गया आपके पोर्शन से ओके okay? तो अभी एस एफ एम में इन्होंने पूछना चालू कर दिया है बाई डिफॉल्ट ओके हाँ सो so बेसिकली क्या होता है ईवीए वो आप सुनो अगर सपोज करो कि एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ सपोज करो रिलायंस के स्टॉक का प्राइस मार्केट में चल रहा है एक हज़ार रुपया ओके okay? और रिलायंस का बुक वैल्यू पर शेयर है छः सौ रुपया सिक्स हंड्रेड रुपीज़ तो चार सौ फिर क्या है चार सौ इज़ मार्केट वैल्यू एडेड मार्केट वैल्यू एडेड ध्यान देना ओके okay? पहले तो मैं आपको जार्गन से आपको थोड़ा कंफर्टेबल करती हूँ जैसे जब आप D0 को या D को डिविडेंड्स को डिस्काउंट करते हो तो आपको P0 मिलता है प्राइस मिलती है वैल्यू मिलती है सिमिलरली जब आप फ्री कैश फ्लोज़ को जिसके अंदर ई भी होता है जब आप फ्री कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हो तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलती है राइट right? सिमिलरली जब आप ई को डिस्काउंट करोगे तो आपको एम मिलेगा जस्ट ट्राई टू सी द रिलेशनशिप दैट मीन्स अर्निंग्स Dividends and EVA are per annum cash flow and price, value of the firm, value of the equity, and MVA are values. Dividend, then earnings, and you know, kind of EBIT and EVA are per annum thing. Okay. सारे ई को डिस्काउंट करूंगी तो मुझे मार्केट वैल्यू एडेड मिलेगा जब सारे डिविडेंड्स को डिस्काउंट करती हूँ तो प्राइस मिलती है जब सारे फ्री कैश लोस को डिस्काउंट करती हूँ तो वैल्यू ऑफ फॉर्म मिलता है ये एग्जैक्ट डिफरेंस आप समझना ये मैथमेटिकल डिफरेंस है ओके okay? तो ई मॉडल क्या बोलता है वो सुनना ये मॉडल ये बोलता है एनी कंपनी विच इज़ लेफ्ट आउट विथ अ कैश सरप्लस कैश रेसिडुअल कैश

देन दैट कंपनी कॉल्स फॉर हायर वैल्यूशन ओके और वो जो रेसिडुअल कैश होगा कंपनी का हर साल का जब उन सारे रेसिडुअल कैश को आप डिस्काउंट करके जीरो पे लाओगे तो वो कहलाएगा मार्केट वैल्यू एडेड आई होप यू अंडरस्टूड गाइज तो आगे बढ़ते हैं As per the mentioned model, if a firm is capable of generating extra cash flows post meeting all operational expenses and stakeholder requirements, it calls for a higher valuation. The cash left out is called residual income or economic value added. The present value of all EVAs discounted at an appropriate discounting factor is called market value added. EVA calculate karenge, EBIT 1 minus T. ये निकला सारे ऑपरेशनल खर्चों को मीट करने के बाद और ये क्या है केसी इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है डेट एंड इक्विटी तो डेट एंड इक्विटी में से केसी मल्टीप्लाई करके माइनस करा केसी के अंदर क्या क्या है केसी के अंदर है के और के मतलब आपको मैं बोलूँ क्या है ये अगर समझो कि केसी 15 परसेंट है मतलब कंपनी को ऑन एन एवरेज 15 परसेंट तो हर साल कमाना ही पड़ेगा तो 15 परसेंट सपोज हज़ार का टोटल कैपिटल है डेट एंड इक्विटी मिला करके और 15 परसेंट एवरेज के सी है मतलब डब्ल्यू ए सी सी है मतलब कंपनी को 150 करोड़ तो मिनिमम हज़ार करोड़ की अगर कैपिटल uh, है और 15 परसेंट का आपका रिक्वायरमेंट है स्टेक होल्डर्स का तो 150 150 फिफ्टी इज़ द पर एन रिक्वायरमेंट उनको पे करने के लिए अरे किसी ने पैसा लगाया है तो आपको आप उसको हर साल तो कुछ, कुछ ना कुछ दोगे ना वो तो देना पड़ेगा आपको तो वो भी माइनस करने के बाद अगर कंपनी ने पैसे बचा लिए उसको कहलाएगा या उसको बोला जाएगा रेसिडुअल कैश ओके तो ई बी आई टी वन माइनस ट्री को पैड बुलाते हैं के सी इज़ नथिंग बट डब्ल्यू ए सी सी कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ नथिंग बट डेट एंड इक्विटी बस ये पता है आपको क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट इक्विटी दोनों है ना इसके अंदर भी के ई के डी दोनों होगा ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ई वी इज़ कॉल्ड एम वी आगे बढ़ते हैं अपन एक चीज़ आपको मैं दिखा रही थी सम करवाऊंगी आपको पहले आप देख लो थोड़ा सा बज यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ई वी ए इज इक्वल टू कॉल्ड एम वी ए करेक्ट लेकिन मैम निकालेंगे कैसे वो देखो आप कैसे निकालेंगे नाउ सो अगेन अगर नो ग्रोथ मॉडल हुआ नो ग्रोथ मॉडल अगर हुआ तो आप क्या करोगे एम वी ए विल बी इक्वल टू ई वी ए वन बाय के सी ध्यान दीजिएगा ओके देन अगर ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल हुआ अगर ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अगर हुआ तो ये होगा एम वी ए विल बी इक्वल टू यू कैन कम आउट ई वी ए वन बाय के सी माइनस जी सी कोई चेंज नहीं हो रहा है इसलिए मैंने ये वाला पार्ट सबसे पहले डिटेल में लिया था वहाँ पे अपना थोड़ा समय गया बट आई न्यू ये बार बार आने वाला है आपके सामने में और यहाँ पे आएगा मल्टीपल ग्रोथ मॉडल मल्टीपल ग्रोथ मॉडल तो मल्टीपल ग्रोथ मॉडल के अंदर में एम आएगा वैल्यू इन जी एंड वैल्यू इन जी ओके okay, अब इसकी एडजस्टमेंट क्या करें मैम एम का क्या करें मैं बताती हूँ वी एफ विल बी बुक वैल्यू बुक वैल्यू प्लस एम बुक वैल्यू प्लस एम अगर आप बुक वैल्यू ऑफ द फर्म में मार्केट वैल्यू एडेड की वैल्यू एड करोगे तो आपको मिलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म और वी में से अगर आप मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ओके और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा प्राइस पर शेयर मतलब एक कंपनी की वैल्यू के दो पार्ट हैं एक है वो वैल्यू जो हमने इन्वेस्ट किया है जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है द बुक वैल्यू पार्ट एंड दूसरा इसकी ई कमाने की कैपेबिलिटी की वजह से जो इसको हायर वैल्यूशन मिलना चाहिए वो वाला पार्ट ओके दिस इज अ मॉडल ऑल अबाउट बाकी कुछ भी इसके अंदर में एक्स्ट्रा नहीं होता है ओके ना आगे बढ़ रहे हैं एक सम करते हैं अपन एंड देन वी कैन गो हैड कंसिडर अ फर्म फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर नेटवर्थ फाइव हंड्रेड लैक्स दिया हुआ है फिफ्टीन परसेंट लॉन्ग टर्म डेट फाइव हंड्रेड लैक्स द फर्म इज सब्जेक्ट टू टैक्स रेट एक बात बोल रही थी जैसे सम सामने आए ना आप क्लास को पॉज करो और सम को पहले दो बार तीन बार आप पढ़ो खुद से क्योंकि आप मैं स्पीड में हूँ थोड़ी राइट आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको घबराहट होगी तो प्लीज फर्स्ट पॉज द लेक्चर्स रीड द सम टू आइस थ्राइज एंड देन ओनली गो हैट एंड देन ओनली स्टार्ट वेन यू आर मेंटली लाइक ओके आई एम रेडी ओके एंड इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज सेवेंटीन परसेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर द फॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ 250 फिफ्टी लैक्स कंप्यूट ई वी एंड फाइंड आउट द एंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर केस वन अज्यूम ई वी ए टू बी परपैचुअल केस टू अज्यूम ई वी ए टू बी सब्जेक्ट टू अ परपैचुअल ग्रोथ रेट ऑफ फाइव परसेंट पर एन एम नंबर ऑफ शेयर्स दस लाख दिया हुआ है ओके सो के सी सबसे पहले तो अपने को डिस्काउंट वो जो के सी है ना वो निकालना पड़ेगा तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया फाइव हंड्रेड बाई थाउजेंड पाँच सौ डेड पाँच सौ इक्विटी है इन टू फिफ्टीन और टैक्स रेट लेकर के रेट निकाली थर्टीन की आ गई राइट अगर ई वी ए पर है मतलब अगर जिंदगी भर अगर जिंदगी भर ईवीए आता रहा एक ही अमाउंट तो ई कैसे कैलकुलेट करेंगे लुक एट हियर नाउ ई बी आई टी वन माइनस टी माइनस के सी इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड ये सिंपल है ना टू फिफ्टी दिया हुआ है उस उसमें ओके okay, एक बात मैं आपको बोलना चाह रही थी कि यहाँ पे ये जो वर्ड एक्सपेक्टेड आया है ना इसकी वजह से ये ई वी आई टी जीरो नहीं है ये ई वी आई टी वन है एक्चुअली तो अगर आप ई वी आई टी वन से ई वी ए निकाल रहे हो तो आपको ई वी ए जीरो नहीं आएगा ई वी ए वन आएगा मैम ये क्या काम आएगा बताती हूँ ओके सो हियर 251 फिफ्टी वन माइनस फोर्टी परसेंट करके आपने निकाला तो आपको ई वी ए ट्वेंटी आया सब क्या बोला अगर मानो ये कंपनी जिंदगी भर बीस लाख जिंदगी भर बीस लाख का ई वी ए हर साल एक में बीस दो में बीस तीन में बीस चार में बीस पाँच में बीस इन्फिनिटी में बीस जिंदगी भर कंपनी बीस लाख का ई वी ए जनरेट करती रहेगी तो बताओ क्या होगा तो सबसे पहले वो सारे जो बीस लाख हैं उनको जीरो पे लाओ डिस्काउंट करके तो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपैचुटी इज ए बाय आर और ईवीए बाय ए के सी ओके ट्वेंटी डिवाइड बाय पॉइंट वन थ्री ये आ गया आपका आपने जिन वन से लेके जिंदगी भर के कैश फ्लोस को डिस्काउंट करके जीरो पे लाए मतलब सारे बीस की वैल्यू आज के दिन है वन फिफ्टी थ्री पॉइंट एट फाइव वैल्यू ऑफ़ द फर्म क्या होगा मैंने बोला अभी आपको बुक वैल्यू प्लस एम वी ए ये आया इसमें से डेट की वैल्यू हटाओ नंबर ऑफ शेयर तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई डिइड करोल गेट प्राइस पर शेयर केस टू में बोला है एज्यूम करो यह ई वी ए फाइव परसेंट पर एनम से जिंदगी भर ग्रो कर रहा है तो कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल तो बीस में आप क्या करोगे आप ई वी ए वन लेके नहीं बनाओगे बिकॉज अपन एज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी वो एडजस्टेड है बिकॉज ईवीआईटी वन दिया है राइट अगर ई वी ए जीरो होता तो हम प्लस फाइव परसेंट करते और के सी माइनस ये सी करके टू फिफ्टी निकाला वापस अ सेम कैलकुलेशन गाइस एंड यू गेट अ वैल्यू ऑफ पॉइंट सेवन फाइव सेवेंटी फाइव रुपीज़ पर शेयर ऑफ़ कोर्स इफ अ कंपनी इज ग्रोइंग बाय सम रेट एंड इफ अ कंपनी इज नॉट ग्रोइंग बाय रेट प्राइस में तो डिफरेंस जरूर होना चाहिए अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए राइट सो दिस इज़ हाउ आई ई वी ए सम विथ कंपिटेशन ऑफ द प्राइस पर शेयर कैन बी डन ध्यान दीजिएगा कभी कभी डेटा में दे गिव एक्सपेक्टेड डेटा तो वहाँ पर वन वापस मत लगाना जैसे मैंने यहाँ नहीं लगाया अज्यूमिंग दैट कि बीस के अंदर ऑलरेडी पाँच एडजस्टेड है बिकॉज वो ई वी आई टी वन है ई वी आई टी वन से ई वी ए वन निकलेगा ना कि ई वी ए ज़ीरो निकलेगा ओके okay. this was about residual valuation model. all the people listening to me, whether old course or new course, please go to the old course practice manual and solve the sums from security analysis or security evaluation, whatever, and try to solve more and more varieties to have a control. i, limit beyond because we are not in a regular batch. okay, but practice is a must. okay, practice karni ओके okay. आगे बढ़ते हैं अपन गैस टॉपिक के अंदर में ध्यान दीजिएगा कंप्यूटेशन ऑफ आर के बारे में आर के बारे में और बीटा के बारे में ओके okay? ये चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा सम्स के अंदर में ये मैं यहाँ पे नहीं डिटेलिंग कर पाई हूँ अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ टेक्स्ट मी ओके प्लीज़ टेक्स्ट मी आप पॉसिबली मैं आपको नोट्स भेज सकती हूँ बट डिटेल में नहीं जा पाऊँगी आर इसके बारे में तो शायद मैं आ, थोड़ा बॉन्ड वैल्यूएशन में बात कर लेंगे हम लोग तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है मुझे सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल अगर आपको याद होगा तो जी इज इक्वल टू बी इंटू आर ओके तो ग्रोथ इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इन टू आर ओ ई कंप्यूटेशन ऑफ बीटा के भी मुझे इतनी चिंता नहीं है बिकॉज वो अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हैंडल हो जाएगा सो so, ओवरऑल अगर आपको इन पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेल मी आई विल डेफिनेटली सेंड यू अक्रॉस डोंट हैव टू वरी एट ऑल ओके आगे बढ़ रहे हैं अपन नाउ सो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन कर रहे हैं वो है राइट्स ईशू राइट्स ईशू के सम्स बहुत फ्रिक्वेंटली तो नहीं आते बट जब भी आएगा पाँच नंबर छः नंबर गाइज ईजी आपको मिल सकते हैं राइट्स इशू क्या होता है पहले वो समझो देन विल गो टू दैलकुलेशंस अगर कोई कंपनी है जिसका आई पी ओ ऑलरेडी आ चुका है पहले तो उसके ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं तो अगर कंपनी वापस से अगर शेयर्स मार्केट से रेज uh, करती है कैपिटल रेज करती है तो पहले उनको वो जो मतलब बेसिकली शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनको प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट करना पड़ेगा ऑफ़र करना पड़ेगा नॉट रादर अलॉट ऑफर करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के पास में तीन ऑप्शन होंगे ओके नंबर वन वो लोग उन शेयर्स को एक्सेप्ट करेंगे वो लोग वो जो राइट right उनको मिली है वो सेल कर सकते हैं या फिर वो लोग इग्नोर भी कर सकते हैं वो जो शेयर्स उनको ऑफर होगा वो डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है उसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन प्राइस ओके okay? तो दैट इज ओनली राइट्स इशू ओके सो द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स लाइक यू नो काइंड ऑफ फ्लोटेड इन द मार्केट आफ्टर आई ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न सो दैट उनका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न डज नॉट गेट डाइल्यूटेड इट विल बी गुड इफेक्ट टेक एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन यू प्रॉपरली विल यूज दिस दीज कैल्कुलेशन गाइज कितने शेयर्स नए रेज करेंगे जितना पैसा चाहिए डिवाइड बाई सक्रिप्शन प्राइसक्रिप्शन प्राइज विल ऑलवेज भी लोअर दैन द मार्केट प्राइस ऑफ दैट स्टॉक अगर कंपनी का सपोज रिलायंस का अगर राइट्स इश्यू आ रहा है सपोज करो ओके या कंपनी नए शेयर्स लेके मार्केट में आ रही है ओके okay? तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनको ऑफर करना पड़ेगा उसको राइट्स इश्यू बोलते हैं और जिस प्राइस पे शेयर होल्डर्स पुराने वाले नए वाले नहीं पुराने वाले ले सकते हैं उसको सब्सक्रिप्शन प्राइस बोला जाता है तो बेसिकली डिज़ायर्ड फंड्स डिवाइड बाई सब्सक्रिप्शन प्राइस अगर ये लोग अगर ये लोग मना कर देते कि हमें नहीं चाहिए तो फिर कंपनी कुछ और सोचती है ओके नंबर ऑफ़ राइट्स इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग शेयर्स डिवाइड बाई न्यू शेयर्स नेचुरली एक्स प्राइस विल बी, ये समझाती हूँ आपको मुझे खाली बोलने दीजिए बाद में आई कैन यूज़ द एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू बेटर एक्स राइट्स प्राइस का इक्वेशन दिया हुआ है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं वन मिनट ओनली मेगा सॉफ्ट लिमिटेड प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन एंड एस्टीमेट्स अ टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन टू बी रुपीज ट्वेंटी फोर करोर The same is proposed to be financed by internal accruals of rupees 9 crore and the balance through a rights issue. Okay. Pe total cost of expansion is 24 crore. Internal accrual kitna in is 9. So inko kitna raise karna padega Pandra crore and the balance through a rights issue. The current share capital of the company is 2.40 crore. Okay. The shares of the company are currently quoting at रुपीज 345, the company proposes to rights टू price of the rights at 250. नोटिस करो एक बात को आप ये कंपनी की जो मार्केट प्राइस है वो चल रही है 345 एंड सब्सक्रिप्शन प्राइस है 250. ओके okay, अब यहाँ ध्यान देना तो बेसिकली गाइस 15 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपए कंपनी को रेस करने हैं है ना तो 15 करोड़ रेस किससे करेंगे अपन राइट्स इशू से मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में कंप्यूट द रेशियो ऑफ द राइट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द राइट्स ये सारा समझाती हूँ मैंने अब तक कॉन्सेप्ट आपको समझाया नहीं है मैं बिना सम के समझाऊंगी आप ज़्यादा कन्फ्यूज कर जाओगे डिटरमाइन द गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर इफ़ एक्सरसाइजेज हिज राइट्स इन द राइट्स इशू एंड अल और अलाउज हिज राइट्स टू एक्सपायर देखो मैंने क्या लिखा है ट्वेंटी फोर करोर्स की कंपनी को ज़रूरत है राइट right? उसमें से नाइन करोड़ इंटरनल अक्रवाल से मीट हो जाएगा बचेगा पंद्रह करोड़ और पंद्रह करोड़ रुपए इनको रेस करने पड़ेंगे राइट्स से ओके करंट शेयर कैपिटल कितना है टू पॉइंट रुपीज़ टू पॉइंट फोर करोड़स का ओके तो टू पॉइंट फोर करोर्स को अगर आप टेन रुपीज़ फेस वैल्यू अज्यूम किया है समय नहीं दे रखा है तो इनका प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स है चौबीस लाख रुपया सॉरी चौबीस लाख तो इनका प्रेजेंट नंबर ऑफ़ शेयर्स है 24 लाख शेयर्स एंड 15 करोड़ को रेस करेंगे रुपीज़ फिफ्टीन करोड़ वुड बी रेस्ड विद द हेल्प ऑफ पर शेयर वैल्यू टू फिफ्टी ओके तो कितने शेयर्स इशू करेंगे छः लाख राइट्स के शेयर्स इशू होंगे अब चौबीस लाख शेयर पहले से है ये वाला और 6 लाख ,00 हमको ऑफर uh, करने इन द फॉर्म ऑफ राइट्स तो रेशियो क्या हो गया सिक्स लाख इज टू ट्वेंटी फोर लैक्स डेट्स वन इज़ टू फोर इसका मतलब क्या होता है पता है आपको आई होप कैसे आपको समझाना तो इसका मतलब ये हुआ हर वो इंसान जिसके पास चार शेयर पहले से है उसको राइट्स का एक शेयर ऑफर होगा ओके इसका यह मतलब हुआ हर वो इंसान जिसके पास पहले से चार शेयर है उसको एक शेयर राइट्स का ऑफ़र होगा ओके आपको पता है एक बात मैं बहुत दिनों तक यू नो काइंड ऑफ आई वुड यूज टू फाइंड वर्ड्स कुछ चीज़ें इंट्यूटिव लर्निंग होती है आप समझाने जाओ तो बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं शायद ये उनमें से एक टॉपिक है तो मैंने uh, कहीं पर पढ़ा एक्चुअली आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अब ध्यान सुनना मैं क्या बोलने वाली हूँ इन ऑर्डर टू बाय वन राइट्स शेयर ध्यान देना इन ऑर्डर टू बाय वन राइट्स शेयर वी नीड फोर राइट्स एंड रुपीज टू फिफ्टी आपको पता है क्या होता है कि राइट्स के साथ में अपन राइट शेयर ही सोच पाते और कुछ नहीं सोच पाते लेकिन मैंने क्या बोला इन ऑर्डर टू बाय वन राइट्स शेयर आई नीड फोर राइट्स ये फोर राइट्स क्या है फोर एग्जिस्टिंग शेयर्स आई नीड फोर राइट्स एंड रुपीज टू फिफ्टी आपके पास में अगर चार राइट चार राइट हियर स्टैंड फॉर चार राइट शेयर नहीं बोला मैंने मैंने बोला चार राइट्स then you need four rights and rupees two fifty to buy one rights share, इसका ये मतलब हुआ right? तो यहाँ पे x rights price निकाली है तो x rights price कैसे निकालेंगे कि पुराने number of shares चार हैं उसमें से market price पर multiply करो आप देखो ये वाला part, and two fifty into one। मतलब basically क्या हो गया कि चार पहले के market price पे और एक नया सब्सक्रिप्शन प्राइस पे उन सबको एड करके आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एक्स राइट्स प्राइस मतलब क्या हुआ जब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो रखी ऑलरेडी और जब कंपनी का राइट्स ऑलरेडी अलॉट हो चुका होगा या ऑफर हो चुका होगा तो क्या प्राइस होगी स्टॉक की गाइस अब दो तरह के शेयर तो मार्केट में बिक नहीं सकते कि ये राइट्स के पहले के है और ये सब्सक्रिप्शन प्राइस पे है ऐसा नहीं पॉसिबल है ना तो बेसिकली क्या होगा द प्राइस ऑफ द स्टॉक इन द मार्केट विल री एडजस्ट इट्सल्फ टू थ्री कुछ भी नहीं है चार पहले से था एक है सबको मिलाओ और सबको बराबर बांट दो एंड दैट इज द एक्स राइट प्राइस थ्री ट्वेंटी सिक्स सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वैल्यू ऑफ राइट पढ़ाने में क्यों पता है आप वैल्यू ऑफ राइट को राइट शेयर से कंपेयर करते हो जबकि वो है ही नहीं राइट right यहाँ पे स्टैंड करता है आपके चार एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए अब ये पूछ रहा है सब में कि बताओ एक राइट right की वैल्यू क्या है तो एक राइट right की वैल्यू क्या होगी एक्स राइट्स प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस डिवाइड बाय फोर तो 326 मतलब क्या हुआ कि कितना डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिला तो so 326 ट्वेंटी सिक्स माइनस टू डिवाइड बाय फोर इज़ इक्वल टू 19 पर शे नाइनटीन पर राइट तो आपके पास में चार राइट है तो so आपके हर राइट की वैल्यू हुई 19 बिकाज़ आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड इट्स नॉट दैट टफ एक्चुअली आप इसमें एक चीज़ और भी कर सकते थे अगर आप चाहो तो इसमें आप एक काम करो कि आप ऐसे कर लो वॉट इज़ द प्राइस दिस वन थ्री फोर्टी फाइव थ्री फोर्टी फाइव माइनस टू फिफ्टी द होल डिवाइड बाई फाइव देन ऑल्सो आई गेट नाइन्टीन मैं दिखाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ इसको करने का एक और तरीका है वो क्या है थ्री फोर्टी फाइव माइनस ये मार्केट प्राइस पर शेयर एग्जिस्टिंग है माइनस टू फिफ्टी ये क्या है सब्सक्रिप्शन प्राइस डिवाइड बाई एन नहीं आएगा एन प्लस वन डेट्स फोर प्लस वन फाइव आएगा फिर भी आपको नाइनटीन ही आएगा तो आप कोई कोई सोल्यूशन में आप देखोगे उन्होंने ये यूज़ किया है और कहीं कहीं पे ये यूज़ किया है इन दोनों का आंसर हमेशा सेम आना चाहिए यहाँ पे एक्स राइट्स प्राइस लिए यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर लिया दोनों में फ़र्क है तो ध्यान देना आपको जो कम्फर्टेबल लगता है आप वो कर सकते हो नाइनटीन अगर आपने राइट्स एक्सेप्ट किया तो क्या होगा पहले अगर आपके पास में चार शेयर थे और स्टॉक मार्केट में प्राइस ये चल रही थी तो आपका वेल्थ था वन थ्री एट ज़ीरो बाद में अगर आपने सब्सक्राइब किया तो अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपके पास चार शेयर पहले के हैं और एक शेयर आपको मिला तो हो गए पांच शेयर और पांच शेयर की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्स राइट्स प्राइस होती है वन सिक्स थ्री ज़ीरो लेकिन आपने पैसे भी तो पे किए हैं कितने पैसे पे किए आपने ढाई सौ पे किए हैं ढाई आपने पे किया है राइट right? तो आपने जो टू फिफ्टी पे किए हैं वो माइनस करो तो वापस आपका आ जाएगा वन वन थ्री एट ज़ीरो दर इज़ अ लाइक सेम आंसर दैट यू हैव टू गेट हियर आल्सो एंड हियर आल्सो अलाउज राइट टू एक्सपायर अगर आपने कुछ नहीं किया तो क्या होगा पहले आपका वेल्थ था 1380 और बाद में आपके शेयर्स की वैल्यू 345 से गिर के थ्री हो गई और आपके हाथ में आ गए 1304 और आपको लॉस हो गया एक और करवा सकती हूँ मैं यहाँ पे पता है आपको क्या सेल द राइट्स मतलब आपने शेयर्स नहीं खरीदे आपने उन राइट्स को बेच दिया तो वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होगा ये होगा थ्री ट्वेंटी सिक्स इंटू फोर दिस इज़ वन थ्री एट ज़ीरो और आपके पास कितने राइट्स हैं चार इट वो चार राइट्स शेयर नहीं है वो एग्जिस्टिंग शेयर्स को आपके पास चार हक होगा तो आपको एक राइट का शेयर मिलेगा ये मतलब हुआ देन सॉरी नाउ हियर इज वन थ्री जीरो फोर सो यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो थ्री ट्वेंटी सिक्स इंटू फोर विल गिव थ्री जीरो फोर प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ राइट्स राइट्स की वैल्यू कितनी है राइट्स की वैल्यू है उन्नीस रुपए उन्नीस रुपए कितने राइट आपके पास चार तो नाइनटीन इंटू फोर विल गिवटीन इंटू फोर विल गिव यू सेवेंटी सिक्स एंड लुकट दैट यू विल गेट अगेन वन थ्री एट ज़ीरो तो तीन ही ऑप्शन हैं या तो आप राइट्स जो ऑफर आपको मिला उससे आप शेयर खरीद लो या फिर आप उन राइट्स को बेच दो और या फिर उन राइट्स को आप इग्नोर कर दो अगर आप शेयर खरीदते हो या राइट्स को बेचते हो तो आपका वेल्थ बिफोर एंड आफ्टर अफेक्ट नहीं होगा अगर आप इग्नोर करते हो तो आपका वेल्थ कम हो जाएगा गाइस ये तीन ही ऑप्शन होते हैं ये सब में दो थे कभी कभी तीन पूछते हैं कभी कभी दो पूछते हैं तो डजेंट मैटर एट ऑल तो दिस वॉज ऑल अबाउट राइट्स कैलकुलेशन ओके मेनी सम्स आर देयर ऑल सिमिलर नो चेंज एट ऑल प्लीज़ गो हैड रिवाइज एंड राइट लॉट्स ऑफ दैम ओके नाउ नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू लर्न इज टेक्निकल ओके तो टेक्निकल अनालिस में Uh, बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए आपको एक बात बताती हूँ दो तरह की एनालिसिस होती है एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस तो फंडामेंटल एनालिसिस जैसे फॉर एग्जांपल जो अब तक अप, अपन कर रहे थे डिस्काउंटिंग कंप्यूटिंग द इंट्रेंसिक वैल्यू एंड ऑल दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस वी यूज़ फाइनेंशियल लाइक पी एंडल स्टेटमेंट फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड ऑल टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस एक और तरीके की एनालिसिस होती है जब मैं एनालिसिस बोलती हूँ तो आपको क्या समझ में आता है आप बताओ मुझे जब मैं एनालिसिस बोलती हूँ तो आपको क्या समझ में आता है मुझे समझ में ये आता है कि किसी भी स्टॉक को मुझे बाय करना चाहिए मुझे सेल करना चाहिए कि मुझे होल्ड करना चाहिए ये डिसाइड करने के चीज़ को ही बोला जाता है एनालिसिस। तो आपने जब फंडामेंटल एनालिसिस किया तो आपको कभी आया ओवर वैल्यूड कभी आया अंडर वैल्यूड एंड ऑन दैट बेसिस आप बता रहे थे कि आप स्टॉक को बाय करो आप स्टॉक को सेल करो या स्टॉक को आप होल्ड करो वॉटर टेक्निकल एनालिसिस में ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं होती ये लोग बिल्कुल चार्ट्स के ऊपर चलते हैं जो चार्टिंग होती है ये लोग पास्ट की प्राइसेस और वॉल्यूम बिहेवियर के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए मतलब बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का जो बैकग्राउंड uh, है वो ये है कि स्टॉक मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स साइकोलॉजी ओके एंड ह्यूमन बींग्स टेंड टू बिहेव इन अ पैटर्न वो एक पैटर्न में बिहेव करते हैं रिपीटेड बिहेव गिवन अ सिमिलर सिचुएशन अ ह्यूमन बींग टू बिहेव सिमिलर ओके तो अगर आपने किसी ह्यूमन बींग का पैटर्न पहले से रीड कर लिया है तो अगर सेम सिचुएशन उसके सामने लाई जाएगी तो शायद वो सिमिलर बिहेव करेगा ये साइकी है ये लॉजिक है टेक्निकल अनालिसिस का एंड दैट इज़ वाई वो पास्ट के स्टॉक प्राइसेस को और वॉल्यूम को रीड करते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने स्टॉक को खरीदा कहाँ कहाँ हमने बेचा एंड ऑल दैट मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ लेकिन आपको जो एक सम आपको जरूर जानना चाहिए और वो है ई का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ओके टेक्निकल एनालिसिस को एनालाइज करने के बहुत सारी चीज़ें होती जैसे आपने अलग अलग मॉडल्स पढ़े ना इसके अंदर में फंडामेंटल में आपने डीडीएम मॉडल पढ़ा आपने एफसीएफएफ पढ़ा आपने रिलेटिव पढ़ा आपने ईवीए पढ़ा सिमिलरली यहाँ भी बहुत सारे तरीके होते हैं बट मैंने एग्जाम में इतना कुछ देखा नहीं है एक सम या एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पूछा है वो है मूविंग uh, एवरेजेस का तो प्रैक्टिस मैनुअल में एक सम ऑलरेडी ये दिया हुआ है वही मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ फटाफट वो भी गैस uh, पहले आप सुन लो मूविंग एवरेजेस क्या होता है सपोज़ करो कि मैं आपको लिख के दिखाती हूँ क्या होता है मूविंग एवरेज सो क्या होता है कि अगर आप डेली स्टॉक के डेली uh, स्टॉक के क्लोजिंग प्राइसेस को चार्ट करोगे सपोज ग्राफिकली तो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा अपने को ऐसा शायद uh, कुछ पता नहीं चल रहा है स्टॉक कहाँ जा रहा है राइट बिकॉज डेली फ्लक्चुएशन काफ़ी स्टीप होता है तो अपन सपोज करो कि दस प्राइसेस है सौ है देन वन वन ज़ीरो है देन वन ट्वेंटी है देन वन जीरो फाइव है एंड देन अगेन वन वन जीरो एंड सो ऑन ये प्राइस डेली क्लोजिंग प्राइसेस हुए तो अगर मुझे थ्री डेज़ मूविंग एवरेज बनाना है थ्री डेज मूविंग एवरेज तो क्या करूँगी पता है आपको हंड्रेड प्लस वन वन ज़ीरो प्लस वन ट्वेंटी टोटल डिवाइड बाई थ्री आई गेट वॉट वन वन ज़ीरो अब ये वाले को मैं छोड़ दूँगी ओके okay? अब लेंगे वन वन ज़ीरो प्लस वन ट्वेंटी प्लस वन ज़ीरो फ़ाइव डिवाइड बाय थ्री अगेन वन वन टू कर देती हूँ फॉर सिम्पलिसिटी अब ये वाला छोड़ देंगे हम लोग वापस वन टू ज़ीरो वन ज़ीरो फाइव एंड वन वन ज़ीरो डिवाइड बाई थ्री मेरे को क्या मिला अगेन वन ट्वेंटी प्लस वन ज़ीरो फाइव प्लस वन वन ज़ीरो डिवाइड बाई थ्री आई गेट अगेन वन वन टू आपको पता है मैंने ये जो बनाया है जिक्जैक्ट ये इसको रिप्रेजेंट करता है डेली फ्लक्चुएशन काफ़ी स्टीप होती है पता नहीं चल रहा मार्केट कहाँ जा रहा है तो क्या करेंगे मैंने थ्री डे मूविंग एवरेज बनाया फाइव डे मूविंग एवरेज टेन डेज मूविंग एवरेज वन थर्टी डेज मूविंग एवरेज देन फिफ्टी डेज़ मूविंग एवरेज वन डेज़ मूविंग एवरेज ऐसे एवरेज़ बनाते हैं और उन एवरेज़ को इसके ऊपर प्लॉट करते हैं तो जब आप ये वाले लाइन को ये वाले कॉलम को आप प्लॉट करोगे ना तो आपको इतना स्टीप नहीं मिलेगा थोड़ा स्मूदन डाउट मिलेगा समथिंग लाइक यू नो काइंड ऑफ लाइक दिस आई एम नॉट बीइंग अप्रोप्रिएट बिकॉज आई डोंट हैव अ ग्राफ और समथिंग तो आपको एग्जैक्टली exactly पता चलता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है और पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी स्टॉक ने चार uh, टच किया सपोज़ मैं बजाज फाइनेंस की सपोज़ बात करती हूँ तो लास्ट मे बी छः महीने में कभी भी वो स्टॉक चार हजार पाँच सौ टच नहीं किया तो अपन क्या बोलेंगे द स्टॉक हैज ब्रीस्ड इट्स सिक्स मंथ मूविंग एवरेज मतलब अपने छः महीने की कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना मतलब अब ये लंबा ऊपर जाएगा ओके दैट वे ओके तो ये ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई इसको बोला जाता है सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज आ रि फाइन गाइज तो दो तरह के मूविंग एवरेज आपको पढ़ना होता है वन इज SMA, एम ए सिंपल मूविंग एवरेज एंड दो अनदर वन इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ओके आप बोलोगे मैम दोनों में क्या फ़र्क है दोनों में फ़र्क है सिंपल मूविंग एवरेज में एक थोड़ी सी खराबी होती है ख़राबी ये होती है कि अगर सब समझो कि 180 डेज़ का मूविंग एवरेज बना रही हूँ तो 180 डेज़ मूविंग एवरेज में 180 दिन की प्राइसेस को हमने डिवाइड बाय 180 कर दिया राइट right? तो आपने जितना वेट लेटेस्ट प्राइस को दिया उतना ही वेट आपने एक सौ अस्सी दिन पुरानी वाले प्राइस को भी दिया राइट विच इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज वो छः महीने में तो स्टॉक डबल ट्रिपल भी हो सकता है तो आपने जो सबसे पुरानी प्राइस ली दैट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपरली वो वो गलत हो गया आपका कैलकुलेशन राइट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में अच्छी बात क्या है कि वो सिर्फ लेटेस्ट प्राइस को ही कंसिडर करता है ओके दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये फ़र्क है दोनों में ओके okay, अब आगे बढ़ती हूँ मैं कैलकुलेशंस के साथ में वरना मैं बहुत कुछ डिस्कस करने लग जाऊँगी तो ये सम दिया हुआ है मैंने सम में लिखा है कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स ड्यूरिंग the above पीरियड the 30 days सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स कैन बी assumed to बी 15000 थाउजेंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ थर्टी डेज इज़ पॉइंट जीरो सिक्स टू ये अगर सम में ना दिया हो तो आप कैसे निकालोगे आप टू बाई एन कर लेना ओके यहाँ भी अगर आप एन क्या है आपका ये ये आपका एन है तो टू डिवाइड बाई अगर थर्टी करते हो तो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन आता विच इज़ अप्रोक्सीमेटली पॉइंट जीरो सिक्स टू ओनली ओके अगर नहीं दिया है तो दिया है तो कोई बात नहीं गिव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशंस तो कैसे करना है वो नोटिस करना है यहाँ पे मैंने जो प्राइसेस लिए हैं वो सारे ट्रेडिंग डेज का ही लिया है जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं ली हुई है वो डेज लिए ही नहीं अब यहाँ पे सब में दिया था मूविंग एवरेज पंद्रह हजार सिंपल मूविंग एवरेज तो ये कॉलम्स बनते हैं ओपनिंग जो प्राइसिस लिए हैं वो ओपनिंग ई एम ए दैन दिस इज योर वन गाइस दिस इज योर वन दिस इज योर वन दिस इज योर टू this is your 3 this is your 4 and this is your 5 okay? Now, so वन फोर फाइव double टू आपको ये दिया हुआ है उसके बाद मैंने एवरेज लिया यानी कि ये जो मार्केट है अपने एवरेज से 478 सेवेंटी एट नेगेटिव चल रहा है तो अपने ना ये 478 में ये जो एक्सपोनेंट है पॉइंट जीरो सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेंटी आया इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू को मैं इसमें एडजस्ट करूँगी अगर प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस देखो माइनस किया मैंने तो ये आ गया अब ये हमारा ओपनिंग बनेगा वापस इसके साथ डिफरेंस लूँगी और ये चलता जाएगा इसी तरह से तो वन फोर यू कैन कैलकुलेट वन फोर नाइन टू फाइव माइनस 14970.37 कितना आया माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री सेवन ओके इन टू पॉइंट जीरो सिक्स टू मेरे को वापस आया माइनस टू पॉइंट एट वन ओके और एडजस्ट करके माइनस तो अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा तो आपका एवरेज नीचे जाएगा अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो आपका मार्केट ऊपर जाएगा आपने नोटिस नहीं किया EMA में मैंने पुराने प्राइसेस नहीं लिए हम लेटेस्ट प्राइस के साथ एक वो परसेंटेज के साथ हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं एवरेज निकाल रहे हैं वी आर नॉट कंसिडरिंग द होल ऑफ इट सो बी इन्फॉर्म्ड ऑन दैट पार्ट सिंपल मूविंग एवरेज में हम सारे प्राइसेस को इक्वल वेट देते हैं यहाँ पे हम सिर्फ लेटेस्ट के साथ प्ले कर रहे हैं सो इज सिंपल ये जो आया कॉलम आपका ये वाला जो कॉलम है इसको ई एम ए बोलते हैं अगर ग्राफ होता तो हम उसको इसके साथ में इसको चार्ट करते हैं. और हम देखते कितना स्मूदनिंग हो रहा है एंड वी विल कम टू नो कि जो प्राइसेस है मार्केट की मार्केट के बारे में बात हो रही है वो अपने एवरेज से कितना ऊपर और कितना नीचे ब्रीच कर रहा है अगर ज़्यादा नीचे ब्रीच कर रहा तो है मतलब बेयर्स आर देयर इन द मार्केट एंड दे आर डोमिनेटिंग अगर ऊपर की तरफ ब्रीच ज़्यादा कर रहा है दैट मीन्स बुल्स आर देयर इन द मार्केट एंड दे आर डोमिनेटिंग आई होप गाइज द गिवन लिमिटेड टाइम आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड दिस इज कम्प्लीटली एग्जाम औरिएंटेड मैं मैं रट्टा मरवा करके बच्चों को या पढ़ा ही नहीं सकती बट मैं क्या करूँ आई मैं मेरे हाथ बंधे हुए एंड आई एम वेरी वेरी लाइक बाउंड बाई द नंबर ऑफ आवर्स विच आई प्रोमिस टू यू सो वील हैव टू गो हैड राइट एक टॉपिक और जो मैंने आपके न्यू कोर्स के मॉड्यूल में देखा था वो है वैल्यूएशन ऑफ अ नॉन लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन ओके okay. नाउ गेज uh, ये ओल्ड कोर्स वालों को भी एप्लीकेबल है क्या है वो ये समझो आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि अगर uh, आपके पास में अगर आपके पास में समझो कि आपकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती है सपोज़ करो तो आप अपने आप को कैसे वैल्यू करोगे तो प्रॉक्सी आपन आइडेंटिफाई करेंगे ये जो टॉपिक है जिसके अंदर अपने को ये पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके और वो क्या है वो आपको सुनना पड़ेगा एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपको शायद ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे अपन लुक एट लुकेटिया नाव एक सपोज़ करो वेरी शॉर्ट अगर कोई कंपनी ऑलरेडी बिज़नेस कर रही है ओके और उसको नया बिजनेस करना है जिसमें वो पहले से बिजनेस कर रही है लाइक like सीमेंट है तो सीमेंट का नया बिजनेस करना है तो यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग के सी द डिस्काउंटिंग फैक्टर के सी टू द कैश फलोज ऑफ द न्यू कंपनी जायज़ है बिकॉज इसका रिस्क और उसके कैश फ्लोज का रिस्क सेम होगा लेकिन अगर मैं सीमेंट में ऑपरेट कर रही थी और मैं अब गारमेंट का बिजनेस करना चाहती हूँ तो यूज़ ऑफ द सेम के सी क्या यह जायज़ होगा क्या यह राइट होगा नहीं दिस विल नॉट बी राइट वाई बिकॉज रिस्क इन्वॉल्ड इन द गार्मेंट बिज़नेस इज़ डिफरेंट फ्राम द सीमेंट बिजनेस तो हम क्या करें तो so, के सी के अंदर क्या क्या आता है के सी के अंदर आता है वेट ऑफ़ डेट वेट ऑफ इक्विटी वो तो हम डिसाइड कर लेंगे ओके okay. उसके बाद क्या आता है टैक्स रेट वो हमें सरकार बता देगी फिर आता है के ई और के डी तो के डी हमें बैंक बता देगा लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने बैंक से पहले से पैसे लिए हुए हैं सीमेंट के लिए तो बिना सोचे समझे वो आपको पैसा नहीं देगी वो भी आपको कैलकुलेशन करेगी कि गारमेंट के बिजनेस में कैशलॉस में कितना रिस्क होगा तो हो सकता है मैं ये नहीं बोल रही कि आपको ज़्यादा रेट पे देगा लेकिन मैं ये बोल रही हूँ रेट सेम नहीं होगी बिकॉज द बैंक विल रिकलिबरेट री मेजर रीबैलेंस द रिस्क इन्वॉल्व इन द गारमेंट बिजनेस एंड देन ओनली गिव यू अ केडी रेट तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू ई हम डिसाइड करेंगे के डी बैंक से मिलेगा टैक्स रेट हमें सरकार दे देगी राइट right? बच गया क्या सारी प्रॉब्लम केई की है तो so केई के अंदर केई बनाना है तो so तीन आइटम लगेंगे आर एफ आर एम एंड बीटा आर एफ आर एम हमें कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है वो रेडिली अवेलेबल होता है लेकिन बीटा कैसे क्या करें बीटा मतलब उस बिजनेस के अंदर जो रिस्क है गारमेंट के अंदर जो रिस्क है वो मुझे कैसे पता चलेगा मैं कैसे क्वांटिफाई करूं? तो यहाँ पे मैं एक पॉज लेके डेविएट करूँगी और मैं बोलूँगी आप कई कौन कैलकुलेट करेगा वन बाई वन शेयर होल्डर करेगा तो शेयर होल्डर को किस रिस्क की चिंता है उसको दो तरह की रिस्क की चिंता है नंबर वन बिजनेस रिस्क अगर मैं गारमेंट का धंधा कर रही हूँ तो मेरे बिजनेस में कितना रिस्क है ये उसको फील होगा प्लस मैंने कितना डेटा uh, मैंने कितना अमाउंट uh, लोन पे लिया है फाइनेंशियल रिस्क दैट मीन्स एज इक्विटी शेयर होल्डर यू आर गोइंग टू फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क टू बी रिप्रेजेंटेड बाय बीटा बीटा के अंदर वो दोनों रिस्क होंगे तो अब क्या करें कैसे लाएं अपने बीटा नए बिजनेस का बीटा कहाँ से लाऊं तो मैं क्या करूँगी मैं जाऊँगी मार्केट में गारमेंट में प्रोक्सीस आइडेंटिफाई करूंगी जो जो मेरे जैसे ही दिखते हैं ओके लुक अलाइक बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई करूंगी उनका बीटा ऑफ इक्विटी लूंगी मान लो दो लिया दो कंपनीज़ लिए बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ ए बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ बी दो लिया और उनके बीटास को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस रिस्क नाउ ओके उस बीटा में से फाइनेंशियल रिस्क को बाहर निकाल देंगे ओके okay, तो क्या बच गया बिजनेस रिस्क बिजनेस रिस्क ऑफ कंपनी ए एंड बिजनेस रिस्क ऑफ कंपनी बी मुझे मिल गए दो बिजनेस रिस्क उन दोनों को हम साथ में मिलाएंगे और एवरेज कर देंगे मुझे मिल जाएगा एवरेज बिजनेस रिस्क ऑफ मुझे मिल जाएगा एवरेज बिजनेस रिस्क ऑफ द गार्मेंट इंडस्ट्री इन विच आई एम वांटिंग टू ऑपरेट मिल गया अपने को उस बिजनेस रिस्क में मैं अपना फाइनेंशियल रिस्क एडजस्ट कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा बीटा और उस बीटा को लगाएंगे आर एफ आर एम के साथ मुझे मिल जाएगा के आई विल बी एबल टू कैलकुलेट माई के सी एंड देन आई कैन डिस्काउंट द कैश फ्लोज ऑफ गार्मेंट बिजनेस ये यही स्टोरी है मैं बहुत शॉर्ट में ले गई आपको बट uh, सम बिल्कुल स्ट्रेटली uh, याद करके सम करने से तो बेहतर था ओके तो एक फार्मूला आपने लिखने वाले हैं यहाँ पे जिस आपने पहले देखा भी होगा बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू बी ए इसकी डराइवेशन सिखाती हूँ रेगुलर बैच में वन प्लस डी बाय ई इंटू वन माइनस टी ओके नाउ इसमें से जो ये वाला पार्ट है दिस रिप्रेजेंट्स बिजनेस रिस्क एंड देखो डेट डेट इक्विटी रेशियो डेट इक्विटी रेशियो की ताकत टैक्स शील्ड की वजह से कमजोर पड़ती है ओके okay? तो ये वाला पार्ट है तो आपका फाइनेंशियल रिस्क ये पार्ट है अब प्रॉक्सी के लिए क्या करेंगे इसमें से ये निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा ये वाला ओके लेट्स गो हेड टू असम एंड सी हाउ इट इज डन X Limited presently operates in a cement industry with a debt equity ratio of 2 is to 1. Its cost of debt inequity are 13 and 17. It's, it, it is subject to a tax rate of 30%. It feels that the growth rate in the cement business is going to be low or moderate. It therefore decides to strategically diversify into the new emerging biotechnology sector. The projected cash flows from the long term funds point of view for this new biotech. प्रोजेक्ट आर शोन बिलो ये लोग सीमेंट में हैं इनको बायोटेक में जाना है उसके कैश फ्लो दे रखें सिंपल बात है कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए के चाहिए जो कि हमको बनाना पड़ेगा द अमाउंट ऑफ वन सेवेंटी करोड़ इज टू बी फाइनेंस्ड बाई अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ थ्रीज टू वन डेट वुड बी बाई वे ऑफ योर फोर ईयर टर्म लोन फ्रॉम आई सी आई सी आई एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ सिक्सटीन परसेंट के मिल चुका है हमें द टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ इक्विटी इन द बायोटेक बिजनेस टू प्रॉक्सी फॉर्म दैट इज भारत बायोटेक एंड ग्रैनुलर दो प्रॉक्सी हैं ये है डिटेल्स आर गिवन बिलो देखो यहाँ पे बी ई दिया हुआ है दोनों का और डेटिकविटी रेशियो भी दे रखा है ओके बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ द एसेट्स इट इज कंसिडर्ड प्रूडेंट टू अन सेवेंटी परसेंट वेट टू बी एंड थर्टी परसेंट वेट टू जी आर एफ एट परसेंट एंड रिस्क प्रीमियम सेवन फाइंड आउट द एन पे भी बहुत ईजी है ये आपको पता ही ये अभी सबसे पहले अपन देखते हैं अपने को केस ही चाहिएगा कैश लॉस दिया है ना बायोटेक का इसको डिस्काउंट करके एन निकालना है उसके लिए के सी लगेगा के के लिए डब्ल्यू है देखो डेट इक्विटी रेशियो थ्री टू तो वन वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई तो दिस वाट इज़ द वेट ऑफ डेट यूनिट पॉइंट सेवन फाइव एन पॉइंट टू फाइव और थ्री बाई फोर डेट रेशियो नहीं है ये डेट इक्विटी रेशियो है समझना बात को आप डेट डेट हमको डब्ल्यू डी क्या होता है वॉट इज डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी इज डी बाई डी प्लस ई नो ये हो जाएगा थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस वन इक्वल टू थ्री बाई फोर ध्यान रखिएगा एग्जाम में डेट इक्विटी रेशियो दिया है कि डेट रेशियो दिस इज डेट रेशियो दिस इज डेट इक्विटी रेशियो फर्क है दोनों में बहुत अपने को डेट रेशियो चाहिए फॉर डब्ल्यू डी एंड डब्ल्यू ई फॉर दैट मैटर इन ऑर्डर टू कम्प्यूट एन पी वी वी रिक्वायर के सी फॉर बायोटेक बिजनेस ये देखो हमने निकाला हुआ है कैन यू सी दैट नाव केड़ी दिया हुआ है थर्टी परसेंट नाव लोकटिया वी रिक्वायर के ई फॉर कंप्यूटिंग के सी इन ऑर्डर टू डू दैट वी फॉलो सी ए पी एम ये सी ए पी एम मॉडल आर एफ दिया हुआ है आर एम माइनस आर एफ को रिस्क प्रीमियम बोला जाता है आई होप यू नो दैट द सम प्रोवाइड्स आर एफ एंड आर एम माइनस आर एफ वी नीड टू कम्प्यूट बीटा विद द हेल्प ऑफ एसेट बीटा कॉन्सेप्ट यह जो वो जो मैंने आपको फॉर्मूला भी दिखाया ना वो फार्मूला का ये है फॉर पीपल हु आर इन द ओल्ड कोर्स आपने ये टॉपिक या पढ़ोगे या पढ़ो, पढ़ाया जाएगा आपको इन द कैपिटल बजटिंग चैप्टर वहाँ पे बहुत डिटेल में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है न्यू कोर्स वालों को नहीं है कैपिटल बजटिंग उनको इक्विटी uh, में उन्होंने incorporate कर रखा है मैंने मॉड्यूल देखी थी मॉड्यूल में मॉड्यूल uh, में कॉन्सेप्ट दिया हुआ था मुझे ध्यान नहीं सम यही वाला है कुछ और है बट जो भी सम होगा वो चलेगा ऐसे ही ओके okay? तो बी सेम फॉर्मूला मैंने लिखा यहाँ पर नाव ही मैंने क्या किया फ़ॉर भारत तो मैंने क्या किया 2.2 पॉइंट टू बी ई यहाँ लिखा बी एंड यू लुक ऑल द डेटा हैज़ बिन गिवन टू अस आई विल कंप्यूट बी ए ये बी ए आ गया भारत का सिमिलर तरीके से हमने ग्रैनअल का भी ले लिया एंड वहाँ उन्होंने आ, बोला था कि बेसिकली भारत लुक्स भारत लुक्स मोर लाइक अस मतलब भारत हमारे जैसा ज़्यादा लगता है तो भारत के बिजनेस रिस्क को या भारत के एसेट बीटा को आप ज़्यादा वेट दो तो ज़्यादा वेट दिया है लुक एट हियर नाउ दिस एंड दिस वी गेट एवरेज एसेट बीटा एवरेज बिजनेस रिस्क एस पॉइंट सेवन फोर एंड नाउ बी ई ये पॉइंट सेवन फोर यहाँ लगेगा और वो जो थ्री टू वन का डेटिकविटी रेशियो था फॉर द कंपनी विच कंपनी आवर कंपनी वो मैंने यहाँ पे लेकर के इसको वापस से बी ई निकाला ये परसेंटेज नहीं आएगा ओके देन वी कम्प्यूट वी गेट दैट कम्प्यूट द के सी बाई अप्लाइंग दिस हियर एंड यू गेट द आंसर एंड पी वी डिस्काउंट एम नॉट टीचिंग दिस आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दिस थ्री बाई फोर डब्ल्यू डी के डी वन माइनस टी डब्ल्यू डी के डी वन माइनस टी प्लस डब्ल्यू ई इन टू के ई विल गिवर्टीन पॉइंट फोर वन डिस्काउंटिंग करो एन पी वी आएगा यह नेगेटिव आ रहा है लेट एस सजेस्ट द कंपनी दैट प्लीज डू नॉट डाइवर्सिफाई टू बायोटेक बिजनेस यू शुड राधर कॉन्सेंट्रेट ऑन द सीमेंट बिजनेस ओनली ये जो था ना फॉर्मूला आपका बी ई इज इक्वल टू बी ए ब्रैकेट्स uh, में वन प्लस डी पाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये लोग कोई ठिकाना याद रखिएगा जहाँ भी प्रॉक्सी वर्ड आया समझ जाना ये फार्मूला आएगा ध्यान रखिएगा प्लीज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके एक और समय मर्जर्स के चैप्टर में प्रैक्टिस मैनुअल में कंपनी का मुझे सम याद नहीं आ रहा बट उसके अंदर के करके सम है वो मैं टेन के पेपर में पूछा था उसमें ये एडजस्टमेंट आई हुई है आप प्लीज़ चेक करना ओल्ड कोर्स प्रैक्टिस मैनुअल में मर्जर्स एंड एक्विजेशन के चैप्टर में एक सम है के एल एम के एल एम एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसको ये लोग बेचना चाहते हैं ओके okay? तो आप बोलोगे तो यू टेक्स्ट मी आई कैन ऑल्सो टेल यू कि विच क्वेश्चन द नंबर ऑफ क्वेश्चन आई डो नॉट रिमेंबर एट ऑल वो मैं आपको बता दूंगी वो सम में इसी चीज़ की एडजस्टमेंट आई हुई है कहीं भी पूछ सकते हैं फॉर्मूला याद रखो कॉन्सेप्ट को याद रखो ओके okay? कभी भी आपको अगर किसी अपनी कंपनी का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए समझ नहीं आ रहा है क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे आप प्रॉक्सी कंपनीज के बीटा को उठाओ उसको डी लेवरेज करो मतलब उनके बीटा में से फाइनेंशियल रिस्क को हटाओ लेवरेज मतलब डेट के साथ डी लेवरेज मतलब बिना डेट के तो उसके इक्विटी बीटा में से फाइनेंशियल रिस्क वाले पार्ट को हटाओ उसको बोलते हैं डी लेवरेजिंग और वो जो एसेट बीटा बिजनेस रिस्क हो है, उसको अपने लिए यूज करो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट एक्चुअली ऑफ दिस वॉज द वे हाउ वी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अ नॉन लिस्टेड कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एसेट बीटा कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ माइंड इट आप मॉड्यूल चेक करो इंस्टीट्यूट का जाके इक्विटी uh, चैप्टर में सिक्योरिटी वैल्यूशन चैप्टर में उन्होंने अगर कोई सम दे रखा है तो प्लीज़ आप वो करके जाओ क्योंकि अगर एग्जाम पेपर में आया एग्जाम में आया तो हो सकता है वो जो उन्होंने दिया है वो वही पूछेंगे ओके okay? आगे बढ़ रहे हैं एंड द लास्ट टॉपिक द लास्ट टॉपिक इज मैच आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए अच्छे से हाइब्रिड uh, सिक्योरिटीज या फिर बेटर वर्ड कन्वर्टिबल्स ओके नाउ वॉट आर कन्वर्टिबल्स कन्वर्टिबल्स किसको बोला जाता है कन्वर्टिबल्स बोला जाता है गाइज़ कि कोई भी सिक्योरिटी जो अभी तक फिक्स्ड इनकम दे रही थी कोई भी सिक्योरिटी जो आपको अब तक फिक्स्ड इनकम दे रही थी अगर वो आपको ऑप्शन दे अगर वो आपको ऑप्शन दे दैट यू कैन कन्वर्ट दैट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इन टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन अ मेचोरिटी डेट और एनी डेट फॉर दैट मैटर दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी विल बी कॉल्ड अ कन्वर्टेबल ये ध्यान दीजिएगा राइट right? अब आप बोलोगे मैम फिक्सड इनकम सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा तो कोई भी सिक्योरिटी जो आपको फिक्सड इनकम देती है जैसे एक बॉन्ड जैसे एक डिबेंचर या जैसे एक प्रेफरेंस शेयर ये ये सिक्योरिटीज़ आपको फिक्स्ड इनकम देती है अगर ये सिक्योरिटी कंपनी इशू करती है आपको और आपको ये बोलती है कि आज से पाँच साल के बाद आप इस सिक्योरिटी को सर्टेन नंबर ऑफ़ शेयर्स में कन्वर्ट कर लो वो पहले से बताएंगे कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स में तो उस सिक्योरिटी को बोला जाएगा कन्वर्टेबल एक बात हमेशा ध्यान रखना अ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी विल ऑलवेज ट्रेड अप एट अ प्रीमियम क्यों अगर सपोज करो कि अगर सौ रुपए का डिवेंचर है ओके और मैं मेरी कंपनी है मैं आपको ये बोलती हूँ आप पाँच साल के बाद इस सौ रुपये के डिबेंचर को पाँच शेयर में कन्वर्ट करा लो पाँच साल के बाद मतलब हर शेयर का फेस वैल्यू हुआ बीस रुपया ओके okay, पाँच शेयर में कन्वर्ट हो रहा है बीस रुपया अब मार्केट में जब मैं जा गई तो मुझे मुझे पता चला कि आज के दिन स्टॉक का भाव चल रहा है ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव विल गिव मी वॉट वन ट्वेंटी फाइव ओके और कन्वर्टिबल वो कन्वर्टिबल डिबेंचर ट्रेड कर रहा है मार्केट में एक सौ चालीस पे वाई यू नो मतलब आप ऐसे सोचोगे यार मैं कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदूं या मैं पांच शेयर खरीद लूं मार्केट से बात तो एक ही है क्योंकि पाँच सालों के बाद ये कन्वर्टेबल डिबेंचर तो अल्टीमेटली पांच शेयर ही बनने वाला है लेकिन नहीं बात बराबर नहीं है क्यों क्योंकि अगर आपने पांच शेयर खरीदा तो पाँच सालों तक कंपनी आपको क्या डिविडेंड देगी और क्या नहीं देगी ये आपको पता नहीं है पाँच साल के बाद आप वो स्टॉक कितने में बेच पाओगे ये भी आपको पता नहीं है तो देर इज नो गारंटी लेकिन अगर आपने आज कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदा तो क्या होगा आपको पता है अगले पाँच सालों तक आपको कूपन मिलता रहेगा फिक्स्ड और पाँच साल के एंड पे अगर आप कंपनी को बोलते हो कि मुझे कन्वर्ट नहीं करना मुझे मेरे पैसे वापस दे दो तो कंपनी आपको सौ रुपया वापस करेगी अगर अगर डिबेंचर का कूपन दस रुपया है टेन परसेंट और डिबेंचर सौ रुपए में रिडीम होने वाला है तो दस 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 पांच बार दस और सौ रुपया गारंटीड है अगर मेचोरिटी वाले दिन आपके डिबेंचर की वैल्यू या आपके स्टॉक की वैल्यू फॉर एग्जांपल नॉट डिबेंचर वैल्यू अगर स्टॉक की वैल्यू इतनी हो जाए कि आपको सौ रुपए से ज्यादा मिल रहा है तो ही आप कन्वर्ट करोगे अगर स्टॉक की प्राइस पंद्रह हो गई तो पांच स्टॉक की वैल्यूगी पंद्रह इंटू पांच सेवेंटी फाइव अगर आप कन्वर्ट करोगे तो मार्केट में पांच शेयर बिकेंगे पचहत्तर पे सेवेंटी फाइव पे अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया तो आपको सौ रुपया का रिडेम्पशन अमाउंट मिलेगा आप बताओ कौन सा प्रेफर करोगे ऑफ़ कोर्स आई विल नॉट कन्वर्ट आई वुड प्रेफर टू टेक माई रिडेम्शन अमाउंट ऑफ हंड्रेड रुपीज नॉट सेवेंटी फाइव अगर आप पांच शेयर आज खरीदते तो आपको ना तो ऐसा दस रुपये जो आपको गारंटीड पाँच सालों तक मिलेगा ना ऐसी कोई डिविडेंड की प्रॉमिस होती और ना उस सौ रुपए का आपका प्रॉमिस होता एंड दैट इज वाई अ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी विल ऑलवेज ट्रेड एट अ प्रीमियम बिकॉज इट प्रोवाइड्स विथ मिनिमम गारंटी प्रोग्राम ओके देर आर सम कैलकुलेशन विच आर लाइक यूनिक टू कन्वर्टेबल सबसे पहले नंबर वन स्ट्रेट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊँ मैं पॉसिबली आई विल बी यू विल बी वेरी वेरी कम्फर्टेबल मैं बच्चों को दिखाती हूँ हमेशा वो डायग्राम। एक मान लो ऐसा बनाते हैं और इसको लास्ट ईयर में ऐसे लेके जाते हैं ये हो गया ब्रांच नंबर वन और ये हो गया ब्रांच नंबर टू तो ये हो गया ज़ीरो वन टू थ्री फोर एंड मे बी फाइव यहाँ पे और ये भी पांच, राइट right? यहाँ पे दस 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 और ये दस और प्लस सौ ये क्या हो गया मुझे कन्वर्ट नहीं कर अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको ये मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स इन टू एम पी एस एंड ऑफकोर्स वो दस तो मिलेगा ही आपको कूपन का राइट right? अब तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि अगर ये दोनों मिला करके इससे अगर ज़्यादा होगा तो मैं कन्वर्ट करूंगी वरना मैं क्यों कन्वर्ट करूँगी तो वॉट इज द स्ट्रेट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड स्ट्रेट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड

नंबर टू कन्वर्जन वैल्यू इसको कन्वर्जन वैल्यू या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट स्टॉक वैल्यू अगर मैं उतने ही स्टॉक आज खरीदूं, तो कितने पैसे लगेंगे एन इन टू एम पी एस ताकि मुझे पता तो चले कि भाई कितना एक्स्ट्रा हम कन्वर्टिकल के नाम पे दे रहे हैं नंबर थ्री कन्वर्जन प्रीमियम कन्वर्जन प्रीमियम विल बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जब मैं बोलती हूं तो इसका मतलब हुआ मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विथ कन्वर्टेबल फीचर विदाउट नहीं ओके मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू मतलब हमने अगर वही नंबर ऑफ स्टॉक खरीदा होता तो हमने कितने पे कि होते और अगर हम वो कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदें तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे दैट एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू पेड फॉर द कन्वर्टेबल पार्ट इज कॉल्ड कन्वर्जन प्रीमियम बिकॉज अ कन्वर्टेबल बॉन्ड और डिबेंचर विल प्रॉमिस यू गारंटीड कूपन एंड एडेमशन बट अ शेयर विल नॉट नंबर फोर डाउन साइड बेसिकली परसेंटेज डाउन साइड रिस्क परसेंटेज डाउन साइड रिस्क रिस्क का तो ये बात है ना कि जो भी आपने पैसे दिए सपोज करो तो आपको वो कूपन और रिडम्शन अमाउंट तो मिलने ही वाला है उसके ऊपर जो आपने पैसे दिए हैं बस वही रिस्क है आपका परसेंटेज डाउन साइड रिस्क सो दिस विल बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड माइनस स्ट्रेट वैल्यू स्ट्रेट वैल्यू को इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बोला जाता है नाम सेम है ओके स्ट्रेट वैल्यू डिवाइड बाय स्ट्रेट वैल्यू इन टू हंड्रेड सिंपल है ना बिल्कुल ही सिंपल है क्यों आपको बताती हूं मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड सपोज आपने एक सौ बीस रुपए दिए या एक सौ चालीस रुपए दिए फॉर एग्जाम्पल और कंपनी का जो प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाला कैश कैशलो उसका सौ लास्ट में और पांच कूपन का तो सौ रुपया है अज्यूम करो दस परसेंट के डिस्काउंटिंग फैक्टर से करोगे तो सौ आ जाएगा तो आपका लॉस कितना होने का चांस है वो जो सौ के ऊपर आपका एक्स्ट्रा गया वही अगर सपोज आपने कन्वर्ट नहीं किया तो आपका क्या नुकसान हो सकता है वो जो आपने इंक्रीमेंटल दिया है बस उतना ही नुकसान होगा बाकी तो मिलने ही वाला अपने को वही निकाल रहे हैं अपन ओके देन वन मोर कैलकुलेशन इज देयर कन्वर्जन पैरिटी प्राइस कन्वर्जन पैरिटी प्राइस विल बी मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई एन ओके मतलब क्या मतलब हुआ इस कैलकुलेशन का इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड की सपोज आपका जो स्टॉक है मार्केट में मैं भी बताती हूँ आपको एक सम लें अपन आई थिंक अगर एग्जाम्पल लेते हैं ना तो क्लैरिटी ज़्यादा बेटर होती है एक सम कराया है मैंने इसमें वो सम देखते हैं तो कोई ये सम दिया हुआ है सम में क्या लिखा फेस वैल्यू दिया हुआ है देन कूपन रेट दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड दिए हुए हैं मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है एंड देन स्टेट वैल्यू ऑफ़ द बॉन्ड दिया हुआ है और मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया हुआ है स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड तो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड में नंबर ऑफ़ शेयर्स ट्वेंटी इंटू बारह रुपया ये बारह रुपया गए इस बारह रुपया तो टू फोर्टी हो गया मतलब अगर आज मैं शेयर खरीदूँ बीस तो बारह रुपये के हिसाब से मेरे दो सौ चालीस रुपये जाएंगे नाव सब में बोला है द परसेंटेज डाउन साइड रिस्क तो परसेंटेज डाउन साइड रिस्क दिया हुआ है ना टू सिक्सटी फाइव माइनस टू थर्टी फाइव टू ट्वेल्व पॉइंट सेवन सेवन परसेंट निकाला है कन्वर्जन प्रीमियम तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड 265 सिक्सटी अगर मैं ये बॉन्ड खरीदूं जो कि 20 शेयर में कन्वर्ट होने वाला है और आज अगर मैं 20 शेयर खरीदूं तो कितने पे करने पड़ेंगे 240 तो एक्स्ट्रा पैसा कितने दे रहे हैं अपन 25 ये हम प्रीमियम पे कर रहे हैं ओके कन्वर्जन प्रीमियम को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाई कन्वर्जन वैल्यू इन टू टू परसेंट गैस yes, ये जो निकाला ना ये मैं समझाना चाह रही थी कन्वर्जन पैरिटी प्राइस 265 बॉन्ड की प्राइस है उसको मैंने 20 से डिवाइड किया तो 13.25 पॉइंट टू फाइव आया आपको पता है इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे मतलब बेसिकली अगर मैंने ये बॉन्ड ख़रीदा तो मैं एक शेयर के लिए 13.25 पॉइंट टू फाइव पे कर रही हूँ जहाँ की एक शेयर की प्राइस चल रही है बारह रुपये ओके okay, एक शेयर की प्राइस चल रही है बारह रुपया तो मैं वन शेयर पर शेयर का हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो ऊपर जो था ना ऊपर वो बॉन्ड के टर्म्स में था अपना ये बॉन्ड के टर्म्स में था ओके okay? और ये हो गया पर शेयर के हिसाब से तो आई थिंक 25 फाइव का अपन बीस से डिवाइड कर हाँ आ तो गया ये जो 25 था प्रीमियम टोटल टोटल प्रीमियम आप 25 का पे कर रहे हो उस पर अगर आप 20 से डिवाइड कर दोगे ना तो वापस से 1.25 आपको आ जाएगा so that is what i wanted to explain you, that you are paying a premium of 25 on total and 1.25 per share. guys, i think it has been really, really uh, tiring for you because i have, I have been speaking non-stop uh, uh, from the start till end, but we can't help much because uh, it is a revision batch, so we are running a marathon, basically. Uh, आप जहाँ जहाँ आपको लग रहा है अब आप एक चैप्टर के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कैसे जा रही हूँ तो आप जहाँ जहाँ आपको लगता है कि पॉजेज़ लेने चाहिए आपको रेफ़र करने चाहिए अपने बुक्स वगैरह को अपने नोट्स को वो आप करते रहो बीच बीच में तो आपके लिए क्या होगा एक साथ सारा खत्म होगा और जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है मैं तो ये आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आपसे हो सके तो साथ में प्रैक्टिस मैनुअल के सारे सम्स करके ख़त्म करो बिकॉज अभी फ्रेश है आपने अभी तुरंत सुना है और आपके पास में नोट्स भी हैं सारे तो प्लीज़ कीप स्टडिंग डू वेल Let's start the new chapter and the next chapter will be valuation of bonds.